हेलो 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 हेलो, एक बार मनोज कैसे बैठो मैम प्लीज। वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा भाई, मस्ती में। नहीं क्या करो, मोबाइल पे एक बार देखो, देखो मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है। क्या हो गया, लाइव नहीं किया क्या? सेकंड, हेलो हेलो हेलो, आप किस में दिख रहे हैं? देखो ना, इंटरनेट नहीं चलता ना क्लासरूम के अंदर। ये बहुत ही जबरदस्त क्लासरूम है वैसे। आपको किसी का मोबाइल का इंटरनेट नहीं चलता होगा ना, रेयरली एक दो किसका चलता है? किसी का भी नहीं चलता है। अरे बहुत ही प्यारा क्लासरूम आपका चलता है मैम। कौन सी सर्विसेज है? जियो चल रहा है भाई साहब, जियो नहीं मान रहा है। चलो मनोज भाई चिल करो, एक काम कर लो, आप बाहर से देख लो। अगर स्टूडेंट नीचे कमेंट करते हैं ना कि वॉइस का प्रॉब्लम है, तो एक बार आप देख लेना आके, अगर कोई परेशानी नहीं होती तो ठीक है। चलिए, हाँ क्या बात है यार। यस यस मनोज भाई, थैंक यू। चलिए, यस यस, आराम से आराम से आ जाओ सर। यस, बहुत ही बढ़िया, एकदम कंफर्टेबल सेटल होने जाओ। यस, कैसा है यार? बहुत दिली तमन्ना है मेरी कि मैं आपको एकदम कूट कूट के पढ़ाना शुरू करूं, बट इतना ज्यादा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, वापस लेक्चर वन, ये सब इतना ज्यादा हो चुका है ना कि वो पढ़ाना शुरू ही नहीं हो पा रहा है। तो आज का एक और सेशन थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा लाइट नोट पे, बिकॉज कैसा है कि वी आर गोइंग यूट्यूब लाइव फॉर दिस सेशन, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सारे सवाल थे, तो वो सब अपने कहा कि आज आपके भी कुछ सवाल आंसर कर देंगे, उनके भी सवाल आंसर कर देंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू करेंगे। और यारों, कल से मैं और आप ही होंगे रूबरू, तूफान तरीके से पढ़ाई लिखाई करेंगे, ठीक है ना? चलिए सेशन शुरू करूंगा। और यानो सब लोग थोड़ा शांति बनाए रखना है यहाँ पे, ठीक है ना? हर एक सवाल का जो जो आपके दिमाग में होगा सबके मैं जवाब दे दूंगा एकदम मजे में। सबसे पहले यारों कि आप लोग कहाँ कहाँ से, थोड़ा सा जान लूं, बहुत लंबा सफर है हमको साथ में बिताना है, ठीक है? तो पीछे से शुरू करूँ सर। शांतनु एमपी, ठीक है? नाम और अपना जो सिटी स्टेट बता देना बस। यस सर, औरंगाबाद। तूफान बुलदान, बुलदाना किस तरफ है सर? विदर्भ, परफेक्ट। अपन तो हाँ, वापस बोल दो फिर भी एक बार। छत्तीसगढ़, तूफान। अरे पुणे, क्या बात है, तूफान। पुणे, यस पुणे, पुणे। आप गोवा से हैं, पर ऐसे कैसे? ऐसा मन होता है सिटी छोड़ने का पढ़ाई के लिए? कैसी बातें कर रहे हो मैम, कितने सारे करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं यार, क्या लिखा है पढ़ाई लिखाई में मैम, क्या बात है। तो गोवा एज इन बॉर्न बॉर्ड ऑफ गोवा? अरे तो मतलब जैसे कि अभी आप थोड़े दिन पहले गोवा से ही आए हैं। ओके, 3-4 साल से पुणे में है, पढ़ाई के कारण ही पुणे में आए होंगे। अरे यार तूफान, अरे बहुत। और गोवा में कहाँ रहते हैं वैसे, थोड़ा बहुत? मडगांव सिटी। अरे हाँ, जहाँ पे यहाँ से बसेस जाती है तो जहाँ पे जाती है वो मडगांव ही है ना, आई थिंक। अरे क्या बात है मैम, तूफान, बहुत ही बढ़िया। यस यस, अरे हाँ बेटा जी, वेटिंग फॉर योर बुक्स, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट दो मुझको यार, थोड़ा हाय हेलो करने दो, रुको एक बार। यस आगे आएंगे, औरंगाबाद, तूफान, जबलपुर से मैम, अरे क्या बात है, जबरदस्त। यस मैम, अरे बेहतरीन, फुल ठीक है ना मैम, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे हम, ऐसा एकदम प्यार मोहब्बत से चलेंगे अपन, है ना? यस बेहतरीन, जमशेदपुर से मैम, अरे। और पुणे में कब से? पहली बार। अरे मैम प्रेम हो जाएगा आपको पुणे से, पुणे एक्चुअली बहुत ही प्यारी जगह है, ठीक है ना? धीरे धीरे बात करेंगे आराम से। यस मैम, वाराणसी से हम। अरे मैं आपको बता रहा हूँ सच में, मतलब कुछ लोगों का आइडिया ऑलरेडी पता होगा, अरे भाई मुझे प्रेम है उस सिटी से, मतलब मैं वाराणसी में था फॉर अ वीक थोड़े समय पहले ही, है ना?
आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं ना। हाँ, मुझे प्रेम हो गया श्री से। क्या जगह है, क्या जगह है, मतलब क्या जगह है। मतलब आप लोग जीवन में एक बार ऐसा, मतलब वो सेम फीलिंग आई हैड व्हेन आई विजिटेड ये ऋषिकेश हरिद्वार वाला एरिया, वो भी बहुत तूफान है। और ये वाराणसी भी तूफान ही है मैम। अरे लकी हो, बहुत तूफान हो। यस, नागपुर। अरे जबरदस्त 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 जबरदस्त, ठीक है ना। अरे हाँ, बुक्स आ रहे हैं, रुको तो सही बता रहा हूं ना मैं यार। अब रुको, चलो यहां पे सबके साथ मेरा हेलो हो चुका है। अब यारों, तूफान तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करनी है। प्रोफेशनल्स में आ चुके हैं आप सब लोग। कुछ लोग फटाफट से आ गए, कुछ लोग धीरे धीरे आए। तो चिंता किसी चीज की करने की नहीं है, बस ये चीज मान के चलना है कि जो जो चीजें हमने भी सीखा है ना, एक बहुत बेहतरीन सा लर्निंग कर्व होगा जो कि आपने। एक और चीज आपको भी बता देता हूँ, कोई भी लेक्चर अगर मैं स्टार्ट कर दूँ और मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना करूँ तो मुझे एक बार आप में से कोई भी याद दिला देना। अगर कभी मैंने लेक्चर पढ़ाना शुरू कर दिया है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है तो जो व्यक्ति बताता है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो उसको बेटा जी 101 रुपए का इनाम है, ठीक है। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करता हूँ, मुझे बहुत डांट पड़ती है बाद में। तो अगर आपको मैं पढ़ाना चालू कर देता हूँ और ऐसा आपको स्क्रीन पर कुछ रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं दिख रहा है तो आप मुझे टोक सकते हैं। जो व्यक्ति याद दिलाएगा है ना, वो व्यक्ति को कैडबरी लेके जाएगा, ठीक है। पर रूल, मैं पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। मैं क्लास में आके लैपटॉप लगाता हूँ और वहीं से आपने वो सर सर हमने याद दिलाया तो नहीं चलेगा। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है तब तक। चल अब यारों, आपके साथ बात करते हैं। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल्स। तो कैसे यारों, एग्जीक्यूटिव क्लियर करने में हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है। कुछ लोगों का बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहता है, सुखद एक्सपीरियंस रहता है। थोड़ा सा नॉइज है क्या मनोज? मैनेजेबल है क्या? मैनेजेबल है क्या? तो आज फिर मैनेज ही करते हैं। ऐसे करते हैं, लेक्चर के बाद में थोड़ा बैठ लेंगे और कर लेंगे, बिकॉज लेक्चर थोड़े समय का ही है मेरा, उसी में चला जाएगा, ठीक है ना। यस यस यस, चलो। ये हाँ यारों, यूट्यूब पे जो लोग देख रहे ना पहला लेक्चर, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना आवाज़ के साथ में। आज क्या है कि थोड़ा लेक्चर में वही चल रहा था कि क्लासरूम खाली हुआ और हम लोग भाग के आए, तो आज मैनेज करो। आई थिंक मैनेजेबल एनीवेज, राइट। चलिए, यस मैम, बैठो। कौन लेट आता है पहले दिन? बैठो 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 बैठो, चलिए। यस यस, जल्दी से सलाम हो जाएंगे। सो एग्जीक्यूटिव के अंदर एवरीवन मस्ट हैव हैड देयर ओन एक्सपीरियंसेस, बिकॉज कैसा है, उसमें गलती आपकी भी नहीं है, गलती थोड़ी सी इंस्टीट्यूट की है, ठीक है। द गलती इज कि यार उन्होंने कैसा रख रखा है, CSET, और फिर एकदम से आ जाता है एग्जीक्यूटिव। तो ये जो लेवल में डिफरेंस है ना, वो एक व्यक्ति को समझ में आता है ना, उसमें ही कभी कभी डिले हो जाता है। अब किन लोगों को, अ फ्यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड कि हाँ उनको शुरू से समझ में आ गया था और उन्होंने शुरू से तूफान तरीके से मेहनत कर ली, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव की जर्नी उनकी थोड़ी सी हैप्पी गोल लकी रहती है कि हाँ सर शुरू समझ में आ गया था, मस्ती में आया था, शुरू से पढ़ाई की एकदम मस्ती में निकल गया। कुछ लोगों की जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रहती है क्योंकि CSET से जिस माइंडसेट से आए थे, मेजॉरिटी बच्चे CSET वाले होंगे ना, फाउंडेशन वाले कम होंगे आई थिंक, रेयर, राइट। तो CSET के बाद में कुछ बच्चों को वहां CSET था, तो देवर थिंकिंग के सेम लेवल रहेगा और वो समझने में जो लेवल डिफरेंस है उसी में समय लग जाता है। तो उसके अंदर अ फ्यू पीपल हैव सम नॉट सो ग्रेट एक्सपीरियंस विद एग्जीक्यूटिव क्लियर करने का। अब यहाँ पे अच्छी चीज क्या है, एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल में जो है ना, वो आप बच्चों का बहुत बेहतरीन सा लर्निंग कर हुआ है, दैट यू नो व्हाट इट टेक्स टू क्लियर अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। आई डोंट से इफ अ पर्सन हैज क्लियर्ड CSET तो पर्सन हैज गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि हाउ टू क्लियर अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, नो। बट व्हेन अ पर्सन हैज क्लियर्ड एग्जीक्यूटिव देन अ पर्सन सर्टेनली हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अ पर्सन नोज, अ पर्सन हैज लर्न्ड एज टू हाउ टू क्लियर अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, व्हाट इट टेक्स टू क्लियर अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, पीपल आर ऑल वेल अवेयर। तो प्रोफेशनल के अंदर वो एक बहुत बेहतरीन सा माइंडसेट लेकर आ पाते हैं, विच मेक्स प्रोफेशनल एन ईजियर टास्क एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव। कि प्रोफेशनल को, जैसे कि मेरे मुंह से भी आपने कभी सुना होगा शायद से, या फिर आई थिंक आपने किसी और व्यक्ति के मुंह से सुना होगा, प्रोफेशनल इज ऑलवेज ईजियर एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव। और उसका रीजन ये रहता है बिकॉज यू कम हियर विद सर्टेन बेसिक लर्न्ड थिंग्स, आप कुछ चीजें सीख कर आए हो व्हेन यू क्लियर एग्जीक्यूटिव। तो एक बार कुछ चीजें ध्यान दिला देता हूँ कि जो चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल्स क्लियर करने के अंदर, कि क्या गलतियां हैं जो जनरली आप लोग एग्जीक्यूटिव में कर देते हैं जो प्रोफेशनल्स में करने का आप सोच भी नहीं सकते। इफ यू डू दोज मिस्टेक्स इन प्रोफेशनल्स ना, तो वापस वही प्रॉब्लम है कि जो एग्जीक्यूटिव में अगर किसी व्यक्ति का बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो वो प्रोफेशनल में भी बुरा रहेगा। अननेसेसरी एक आधा अटेम्प्ट लगता है एंड देयर आफ्टर हमको समझ में आता है कि एग्जाम कैसे क्लियर करते हैं, देन वी गो अहेड। सो रेदर फ्रॉम डे वन यू शुड बी क्लियर कि एग्जीक्यूटिव में मिस्टेक्स की थी, अगर किसी ने की थी तो वो प्रोफेशनल्स में नहीं करनी है, या फिर एग्जीक्यूटिव में गलती नहीं होती सर हमारा मस्ती से निकल गया था एग्जीक्यूटिव, तो वही चीजें याद रख के रिपीट करनी है जो बच्चों के साथ CSET टू एग्जीक्यूटिव में होता है ना, कि CSET आराम से क्लियर होता है फिर एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, वो हमारे साथ एग्जीक्यूटिव टू प्रोफेशनल्स में नहीं होना चाहिए। इसलिए द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इट टेक्स इज ऑफ कोर्स डिसिप्लिन। द
डिसिप्लिन का कोई सेकंड सब्सिट्यूट नहीं. ऑफ कोर्स क्लास में मजे करेंगे, सब चीजें होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, फॉर दैट मैटर एनी एग्जामिनेशन. यहाँ पर डिसिप्लिन से मेरा मतलब क्या क्या जाता है, पहली चीज आ जाती है डिसिप्लिन के अंदर, एक भी लेक्चर आप मिस नहीं कर सकते, आप लेक्चर मिस कर ही नहीं सकते. जो जीडीपीटी वाले बच्चे हैं बेटा जी, आप लोग तो ऑफ कोर्स लेक्चर मिस नहीं करते हैं क्योंकि लेक्चर आप ही डिसाइड करते हो, तो आपका मूड नहीं है तो आप लेक्चर कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है. यहाँ पे आप बच्चों के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने वाली है, तो लेक्चर मिस नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते ऑन एनी कॉस्ट. यू डू नॉट रियलाइज एट दिस गिवन जंक्चर कि हाउ इंपॉर्टेंट अ पर्टिकुलर लेक्चर इज. जैसे कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ. एक बेस्ट एग्जाम्पल जो हमेशा मैं देता हूँ कि एक स्टूडेंट था, ठीक है, मस्त था, भारी स्टूडेंट अपना, 3 लेवल रैंक कर एकदम मस्ती से. उसके बाद मैं कॉलेज के इंटरव्यूज में था एंड इंटरव्यू के समय पे उसको एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू ओपन ऑफर ऑफ टेक ओवर कोड. नोबडी वाज एबल टू आंसर देन, ही वाज एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. उनमें से एक वो क्वेश्चन था जो कोई और व्यक्ति आंसर नहीं कर पा रहा था, व्यक्ति आंसर गया, ही ग्रैब्ड अ जॉब ऑफ 15 लाख रुपीज. यू नेवर नो कि कौन से लेक्चर में कौन सी चीज जो आपने दिल में बैठा ली, जो आपको समझ में आ गई, जो आपके साथ हमेशा आगे बढ़ रही है, वो आपको कहाँ पे काम आ जाए और कहाँ पे वो कितना तूफान एक्सेलरेशन आपको दे दे. सो दीज लेक्चर्स आर डैम वेरी इंपॉर्टेंट एंड अबव एवरीथिंग यू पेड हैंडसमली फॉर दीज लेक्चर्स. क्लासेस आर नॉट चीप दीज डेज. आपने बहुत तूफान तरीके से पे किया, इट इज समथिंग लाइक यू मूव्ड, यू बुक्ड अ मूवी टिकट एंड यू नॉट गोइंग, यू नेवर डू दैट. हाँ चाहिए तो हम मूवी के लिए जाते हैं, फिर इंटरव्यू में निकल जाते हैं, पर हम जाते जरूर हैं. ऐसा कभी नहीं करते कि हम ये 400-500 रुपए का मूवी टिकट बुक करते हैं और फिर जाते ही नहीं है. सो मिसिंग अ क्लास इज एग्जैक्टली दैट एक्सपेंसिव. यू हैव ऑलरेडी पेड हैंडसमली फॉर द क्लास, सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर यू गाइस टू मिस इट अप. एंड सेकंडली क्या होता है, आई विल टेल यू फ्रेंकली, फिर वो टीचर का आपके ऊपर वो भी निकल जाता है कि हाँ यार आप 4 दिन आते हो फिर 1 दिन छुट्टी मार रहे हो, फिर 3 दिन आते हो फिर 1 दिन छुट्टी मार रहे हो, तो टीचर के लिए भी आपके साथ जो वो लिंक लगना है वो लगना मुश्किल हो जाता है. एंड अगेन यू नेवर नो यार कि कौन से लेक्चर में कौन सा डिस्कशन हुआ है, जो आपको कब इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन में कहाँ पे काम आ जाए. ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग डिफरेंट एस्पिरेशंस. किसी का क्लियर होगा कि सर जैसे ही क्लियर होता है, यस प्रोफेशनल सर आ जाओ सर मस्ती में, यस एवरीवन ऑफ यू मस्ट बी हैविंग डिफरेंट एस्पिरेशंस. तो कोई व्यक्ति का होगा कि सर जैसे ही ये क्लियर करेंगे प्रोफेशनल जॉब, दिमाग लगाना नहीं है, जॉब ज्वाइन करनी है और फिर आगे देखेंगे. किसी व्यक्ति का ऐसा ऑफकोर्स आफ्टर आर्टिकलशिप. किसी व्यक्ति के दिमाग में होगा नहीं खुद की प्रैक्टिस करनी है मुझे. किसी व्यक्ति के दिमाग में होगा मुझे तो हायर एजुकेशन करना है, मेरा मन है कि मुझे इसके बाद में MBA करने की इच्छा है. तो यू मस्ट बी हैविंग योर ओन एस्पिरेशंस. बट आप कहीं पे भी जाएंगे सेइंग दैट मैंने CS किया है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज तो चेक करेगा ना, बी इट कॉलेज इंटरव्यू, बी इट जॉब इंटरव्यू, बी इट आर्टिकलशिप इंटरव्यू. सो यू नेवर नो कि कौन से लेक्चर का कौन सा डिस्कशन, एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट माई सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट का कौन से लेक्चर का कौन सा डिस्कशन आपको कहाँ पे मदद कर देगा, यू डू नॉट नो. सो एट योर एंड अपना जजमेंट ही मत लगाओ, दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी लेक्चर किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए. क्या पता कब काम आ जाएगा ना यार, कोई भी एक डिस्कशन हुआ कहां पे इंटरव्यू में पूछ लिया, यू गॉट अ लिस्टेड कंपनी, आपकी ड्रीम कंपनी, यहीं पे आर्टिकलशिप करना है और वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, बात खत्म, मूव ऑन, एक मौका मिलने वाला है, चले जाओ फिर. सो वो एक क्वेश्चन से व्यक्ति जज कर लेगा कि आपकी नॉलेज बेस कितना है. सो डू नॉट मिस एनीथिंग. ऑफकोर्स सेल्फ स्टडी एक बहुत बढ़िया तरीका है नॉलेज गेन करने का, बट ऑफकोर्स इतने सालों में हमने देखा गया है, आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में देखा है कि जो चीज़ क्लास के डिस्कशन में हमारे दिमाग में बैठती है वो एक लंबे समय तक दिल के अंदर रहती है, और जो हम स्टडी तो करते ही हम एग्जाम के लिए, बट वो एग्जाम के बाद हमें चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से याद नहीं रहती, लेकिन क्लास के डिस्कशन शायद एक लंबे पैमाने तक हमारे दिलो दिमाग में बैठे रहते हैं. सो इंश्योर करिए किसी भी हालत में लेक्चर मिस नहीं करना, ये पहली चीज़ होगी. दिमाग में बैठ गई है, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट करने वाला भी नहीं है इसमें, क्या लेक्चर तो मिस करना ही है, तभी तो आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है. चलिए हाँ श्रुति संभालो अपने आपको, थोड़ा सा बस मुझे थोड़ा समय दो, सबसे सबके बारे में बात करूंगा, सबसे पहले डिसिप्लिन की बात होगी. दूसरा चीज बेटा जी, एक और चीज होगी, होगा क्या कि हम लोग देंगे होमवर्क, ठीक है, फिर आपको इतना होमवर्क दे देंगे एक समय पे कि आपको सपने में भी हम लोग आने लग जाएंगे, ठीक है ना, और वो बहुत अच्छे सपने नहीं होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको ऐसा कि क्यों हो रहा है ये सब, कि मतलब इट इज जस्ट टू मच. तो इट इज जस्ट ऑलवेज हैव दैट बिलीफ, भरोसा रखो कि जो भी आपको जो चीज़ दी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल यू गिवन अ प्लान, आपको कुछ बुक्स देंगे, हम लोग एक तरीके से पढ़ाएंगे, हम कोई टॉपिक पहले पढ़ाएंगे, कोई टॉपिक बाद में पढ़ाएंगे, हमारा हर एक का एक एक प्लान होगा हर एक टीचर का. सो यू जस्ट हैव दैट फेथ कि आपके लिए 9 सब्जेक्ट हैं बट उस टीचर के लिए वो 1 सब्जेक्ट है, तो उसने उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करके आया है. आवाज़ कट रही है क्या? नहीं ना, ठीक है, यस.
वो टीचर उस सब्जेक्ट पे बहुत सारी मेहनत कर कर आया है, तो आपको उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करनी है उस जगह पे कि यार यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव 9 सब्जेक्ट्स ना, तो आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज करने थोड़ी ना जाओगे, आपको सब पे मेहनत करनी है और फिर इवेंचुअली आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते हो। सो टीचर हैज वन सब्जेक्ट टू प्रिपेयर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो व्यक्ति उसमें डबल ट्रिपल मेहनत कर चुका है, उसने प्लानिंग कर ली है, सो जस्ट हैव दैट फेथ। और जो व्यक्ति बोल रहा है उसका कहना है कि इस आंसर को दो बार लिख तो दो बार लिख, तीन बार लिख तो तीन बार लिख, उसने कह दिया ये होमवर्क कल करके आना है तो करके आना है, उसने कह दिया ये पढ़कर आना है तो पढ़कर आना है। कोई भी टीचर ऐसा हवा में आके नहीं बोलता है कि आज ये टॉपिक है, आज चैप्टर खत्म नहीं हुआ ना, दो पेज बाकी है, चलो दो पेज पढ़ के आ जाना। ट्रस्ट मी ऑन दैट, हर एक टीचर का प्री प्लान रहता है कि हाँ ये वाला जो टॉपिक है ये उनको पहले पढ़कर आने का बोलना है, फिर मुझे पढ़ाना है, ये टॉपिक मैं डायरेक्टली पढ़ा दूंगा, इसके अंदर होमवर्क देना जरूरी है, इसके अंदर क्लास में डिस्कशन करना है, इसके अंदर ये एग्जांपल्स देना जरूरी है। एवरी टीचर प्लान सेटअप सो एनश्योर कि हर चीज जो आपको कही जा रही है वो कंपल्सरली फॉलो करनी है, कंपल्सरली। एमसीएस स्पेसिफिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें होमवर्क बहुत सारा रहेगा, होमवर्क रहने का कारण भी उसे मैं अभ्यास शीट कहता हूँ, बिकॉज आप एक माइंडसेट चेंज करने वाले हो। आपका माइंडसेट अभी तक एक सब्जेक्टिव पेपर का होता था कि हमें ये याद करके जाना है और एग्जाम के अंदर लिख के आना है, दी माइंडसेट हैज टू चेंज फर्स्ट, आपका पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अब तो बुक ही एग्जाम में लेके जानी है ना, यू टू कैरी द बुक इन द एग्जामिनेशन, बुक से देख के लिखना है, तो फिर ट्रबल कहाँ होगी, ट्रबल तो वहाँ पे भी होगी, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू आस्क स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वो आपको कॉम्प्लेक्स केस स्टडी क्वेश्चन बना के देंगे, एग्जाम के अंदर उसको पढ़ना होगा, उसको उस क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा और फिर लिखना होगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वो प्रैक्टिस आने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो हैंड्स ऑन आएगा कि अपने आप पढ़ते ही दिमाग में आते और अपने आप लिखते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव में आप जब जब नए नए आए थे तब आपको एक क्वेश्चन आता था कि ये समझ नहीं आता है कि आंसर को शुरू कैसे करें, बट जैसे जैसे आपने बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस की होगी, टेस्ट दिए होंगे या एग्जाम दिया होगा, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि हाँ क्वेश्चन देखते हैं, देयर आफ्टर वी गेट अ फेयर आइडिया हाउ टू स्टार्ट दैट आंसर, बिकॉज वो इतना उस पर आपने समय दे दिया है दैट इवेंचुअली आवर माइंड बिकम्स रोबोटिक कि हाँ क्वेश्चन देख के हमें फटाफट लिखना जमता है, वी डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर। सो वो ओपन बुक सब्जेक्ट में स्क्रैच से करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका जीवन में पहली बार ओपन बुक सब्जेक्ट करने वाले, तो इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं। तो बस आपके दिमाग में क्या होगा, बीच में आपका लॉजिक फाइट करेगा कि यार इसने 20 क्वेश्चन करने के लिए दिए, क्यों करना है, 10 कर लेते हैं ना, अरे चलता है, सर का क्या है, बोल दिया उन्होंने, उनके लिए तो बोलना आसान है ना। यू जस्ट बिलीव इन दिस फैशन के उस बोला है मतलब आपको करना है, मतलब 200% करना है। डिसिप्लिन के अंदर रहता है आपको होमवर्क कंपल्सरीली करना, मतलब उसके अंदर आप सेकंड ओपिनियन रखो, खुद के लिए घर जाके लिख लो कहीं पे, अगर एक एक चीज जो आपको कही जा रही है आप वो कर रहे हो तो कोई ताकत आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से रोक नहीं सकता, कोई ताकत आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से रोक नहीं सकता। सो इंश्योर दैट, एक इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्कस करेंगे उसके बाद में आगे जाएंगे। एक चीज कभी कभी क्या हो जाती है, आपको एक चीज समझना है, ये हो आप, बहुत सारे बना रहे हो क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, और ये है आईसीएसआई का एग्जामिनेशन, ठीक है। सो एक जंग है समझ लो, आप यहां पर आईसीएसआई के एग्जाम के साथ जंग होने वाली होती है, एग्जीक्यूटिव के अंदर कुछ पेपर में तो ऐसी जंग हो जाती है कि शुरुआत के आधे घंटे में तो आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं, फिर आप जैसे जैसे खुद को संभालते हो फिर आप वापस लड़ते हो, हर एक फाइट के अंदर ऐसा ही होता है, कुछ फाइट में यू विन, कुछ फाइट में यू लूज, वंस यू लॉस्ट फिर क्या करते हो, आप वापस बेहतर प्रिपेयर करते हो, अगली बार डबल तरीके से जंग लड़ने जाते हो। आईसीएसआई वापस आपके साथ कुछ ऐसा करता है कि पहले ही क्वेश्चन में बाउंसर फेंकता है, फिर अब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, ये ऐसा करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बाउंसर फेंकते हैं तो आप उसको डॉच करते हो, छोड़ते हो, दूसरे क्वेश्चन पे जाते हो, इसको मैं फोड़ सकता हूं, फिर आप फोड़ते हो, फिर एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखता है, 70, 75, 80 का आपका अच्छा अटेम्प्ट होता है, हाफ एन आवर होता है, उसके अंदर आपके पास जो बचा, जो मन में आया वो आप प्रॉपर तरीके से आंसर करने की कोशिश करते हो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करके आते हो। सो नाउ व्हाट यू डूइंग, वंस यू फाइट यू लूज एट टाइम्स एंड देन यू लर्न एंड देन यू फाइट बैक। अब यहाँ पर ऐसा समझो कि तो आईसीएसआई के साथ में एट द एंड ऑफ द डे है तो जंग, ये मान के चल रहे हैं कि एक एग्जाम आने वाला है, वो एग्जाम अपन को किसी भी तरह से क्लियर करना है। जो पेपर सेटर है वो ये माइंडसेट से पेपर बनाता है कि वो सबको पास नहीं कर सकता यार। आज अगर अपन रिजल्ट परसेंटेज देखते हैं तो क्या 15% का रिजल्ट मान लेते हैं अपन, तो अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 15 बच्चे पास हो रहे हैं, तो ये तो अरे यार आपको क्या लगता है प्रोफेशनल में आके कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता, ऐसा होता है क्या? एग्जीक्यूटिव में अगर 100 बच्चे पेपर देते हैं तो उसमें से 70 पढ़ के जाते हैं, 30 पढ़ के नहीं जाते, 30 आपको भी मित्र मिले होंगे आपके, ये अटेम्प्ट मैं ट्रायल के लिए दे रहा हूँ ताकि अगले अटेम्प्ट में थोड़ा मुझे आइडिया रहेगा तो बेहतर तरीके से जा पाऊंगा। तो ऐसे एग्जीक्यूटिव में रहते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों करते हैं वैसा खुद के साथ, पर वो करते हैं, ठीक है। 70 बच्चे एग्जीक्यूटिव में पढ़ के जाते हैं, बट ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल ना, प्रोफेशनल में 100 में से 90 बच्चे पढ़ के जाते हैं, 10 भी मैं एकदम ही हायर एंड पे ले रहा हूँ, इतने बच्चे नहीं होते जो ऐसी एग्जामिनेशन देते हैं। अरे बिकॉज अभी तक आपको धक्का देना होता था हमको, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले,
अरे प्रोफेशनल के एग्जाम में उनको खुद को आग लगी है, क्योंकि जैसे ही पढ़ेंगे मार्केट में जाएंगे, देयर विल बी स्टार्ट अर्निंग, मतलब आर्टिकलशिप होगी, जॉब होगा, तो वो एनीवेज सच अ ह्यूज मोटिवेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ना, कि जितना एग्जीक्यूटिव पे धक्का देना पड़ता है उतना देना नहीं पड़ता। तो प्रोफेशनल्स के अंदर 100 में से 90 स्टूडेंट्स एक्चुअली पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही चले जाएंगे। एग्जीक्यूटिव में जाते हैं बच्चे, ऐसे प्रोफेशनल नहीं जाते हैं। इनमें से भी ICSI 15 को पास करता है। अब रिजल्ट देखो कोई भी, तो जनरली 10% से 20% के बीच में रेंज कर सकता है, 15% को आप एक डिसेंट रिजल्ट मान सकते हो, और अगर मैं इस अटेम्प्ट का जो लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट है तो 9% के आसपास आया ऐसा, तो मैं 15 भी एक हायर एंड ही ले रहा हूँ, तो आप 10% भी लोगे तो भी ठीक है। तो 100 में से 10 से 15 बच्चे पास होने वाले हैं, और पढ़ के तो सब जा रहे हैं। तो यू विल हैव टू एंश्योर दैट योर प्रेपरेशन हैज दैट एक्स्ट्रा एज, नेक दैट परफेक्शन, कि कोई भी हालत में भले कैसा भी पेपर है यू हैव टू क्लियर इट। एग्जामिनर विल एंश्योर कि यार 100 में से 15 बच्चों को पास कराना है, तो पेपर में कुछ ऐसा डालता हूँ कि जो लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पैनिक कर जाते हैं, मेहनत ही है बट वो एग्जाम के 3 घंटे में संभाल नहीं पाते, पहले इनको फोड़ो इनको हटाओ। तो आप ये समझो कि एग्जामिनर रूम है और सामने मुझे 100 बच्चे दिख रहे हैं, मैं एक एक करके उनको फोड़ता जा रहा हूँ, इसको भी फेल करूंगा, इसको भी फेल करूंगा, इसको भी फेल करूंगा, ताकि मुझे बेस्ट 15 बच्चे मिल पाए जिनको मैं आगे इंडस्ट्री में भेजूंगा और बोलूंगा कि ये बच्चे CS है। इस माइंड सेट से इंस्टीट्यूट पेपर बनाने वाला है। तो यू विल हैव टू एंश्योर दैट यू हैव दैट ओवरऑल डेवलपमेंट इन यू। से 100 स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले वो किसको फोड़ेंगे बताऊँ? वो लोग जो पैनिक हैंडलिंग नहीं कर सकते, सबसे पहले उसको फोड़ेंगे, होता है। और आप कोई पेपर उठा के देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट बना के भेजते हैं लोग, मतलब उनका क्या, पहला क्वेश्चन देखते ही, अब मैं वो लैंग्वेज क्या, फट के हाथ में आ जाती है स्टूडेंट की, उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं सब तो पढ़कर आया था, मैंने स्कैनर देखा है, मैंने ये देखा है, मॉड्यूल देखा, ये क्वेश्चन लाया तो लाया कहाँ से वो व्यक्ति, बट वो 100% इस प्रकार के क्वेश्चन देने ही वाले हैं। सो उससे उनको क्या फायदा होता है कि 100 में से जो लोग पैनिक हैंडल नहीं, इनको क्या CS बनाएंगे, पैनिक तो हैंडल नहीं कर सकते, पहले इनको निकालो। ऐसे ही 15-20 बच्चे निकल गए, अब बाकी बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया, जो कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। अब वो जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते उनको निकालेंगे, 15-20 ऐसे बच्चे होंगे जो बाहर आके, आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव में 70 का अटेम्प्ट किया है, पर क्या अटेम्प्ट किया है तेरे भाई ने, तेरा भाई क्या लिख के आया है, नहीं पास करेगा ICSI आपको, बिकॉज आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले 15-20 पैनिक वालों को निकालो, फिर 15-20 ICSI निकालेगा जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे उनको निकाला। अब बाकी बच्चे लिख रहे हैं, अब इनमें से आप मान लीजिए 100 में से 10 तो पढ़ के ही नहीं आए, ठीक है, 15-20 पैनिक में निकल गए, 15-20 टाइम मैनेजमेंट निकल गए। अब बचे हैं तकरीबन 50 बच्चे, इन 50 में से भी ICSI को पास 15 को करना है, अब क्या करेंगे? अब इनके अंदर ICSI देखिएगा कि कौन एक्चुअली कंटेंट लिख रहा है और कौन लिख रहा है कचरा। कुछ लोग मन से भी तो आंसर बनाते हैं, अब वो लास्ट में फाइट होगी ICSI देखिएगा कि हाँ यार ये कंटेंट लिख रहा है। वो कैसे बाइफरकेट करेंगे? जो व्यक्ति कीवर्ड्स वगैरह अंडरलाइन किया ही नहीं है, प्रेजेंटेशन पेपर में अच्छा रखा ही नहीं है, उनको उड़ाना चालू करेगा, बिकॉज जो कॉपी चेकर है वो इतना समय हर एक कॉपी को दे ही नहीं सकता है। तो अब लास्ट 50 में ये बोले जो पैनिक भी हैंडल कर गए, जो टाइम मैनेजमेंट भी कर गए, जो पढ़ के भी आए, बट वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रखता है, वो कीवर्ड्स कुछ अंडरलाइन नहीं कर पाए, बस जैसे से लिखा है कि तुम मेहनत करो और पास करो तो कर सकते हो, तो एग्जामिनर जो चेकर है ही इज नॉट टेक दैट मच ऑफ एफर्ट्स, फिर यहाँ पे वापस 10-15% लोग निकल जाते हैं, और एंड में वो 20-25 बच्चे बचते हैं जिनमें से कोई 15-20 पास हो जाते हैं, ऐसा है। सो द फर्स्ट फाइट एट दिस गिवन डे ऑन द फर्स्ट डे इज टू एंश्योर, इट इज लाइक चक्रव्यूह है ना, पढ़ा होगा ना बचपन में, तो एक एक करके चक्रव्यूह को भेदना है, तब जाके आप अंदर जाओगे, और एक स्किल से भी आप CS नहीं बन जा पाओगे। यू विल हैव टू एंश्योर पैनिक हैंडलिंग भी होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, और इन सबके साथ में कंटेंट तो होना ही चाहिए, देन यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जीक्यूटिव, क्लियर द प्रोफेशनल, एनी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन के भाई साहब इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, एंड इस कारण से एंश्योर के जो भी चीजें टीचर बोलते हैं, जो भी आपकी फैकल्टी बोलती है, वो 100% फॉलो करो। हो सकता है कोई चीज़ आपके कंटेंट को इंप्रूव कर रहा है, कोई चीज़ आपके टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव कर रहा है, कोई आपके प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर रहा है, कोई आपके पैनिक सिचुएशन को इंप्रूव कर रहा है, तो दे हैव टू इंश्योर ड्यूरिंग दिस बैच दे वी एंश्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दीज फील्ड्स। वट यू थिंक इज कि आए हैं कंटेंट लेके चले जाएंगे, तो कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है कि क्या मतलब है जबरदस्ती है टाइमर के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्या मतलब है हम ऐसे ही कर लेंगे। सो यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपको हर फील्ड के अंदर बेस्ट रहना है, एंड द टीचर हैज सीन इट, तो डिसिप्लिन तरीके से जो टीचर बोलता है फॉलो करो। इन दिस फाइट ये बात को दिमाग में बैठाओ दैट टीचर यहां नहीं है आपका, आपका फैकल्टी जो भी है वो यहां पर है। यू एंड योर फैकल्टी दे आर ऑल इन द सेम टीम, यू नॉट, मतलब अपन अलग टीम में नहीं है। कभी कभी कैसा हो जाता है एकदम आपको समझ नहीं आ रहा, अरे नहीं
ये आपको समझ, सर आप समझ नहीं पा रहे हो, ये इम्पॉसिबल है, हम कर ही नहीं सकते। आप सुबह आप बुला लोगे क्लास के लिए 9 बजे आ जाओ, शाम को 7 बजे तक क्लास में बैठा लो, फिर आप बोलते हो कि पढ़ के भी आ जाओ, कहाँ से पढ़ के आ जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। तो यू डोंट हैव टू थिंक कि भाई मैं आपका दुश्मन थोड़ी ना हूं, मतलब वी एनी फैकल्टी एंड यू वी आर ऑन द सेम टीम एंड वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द पेपर, ये मानसिकता दिमाग में बैठाना जरूरी। डू नॉट हैव अ ऐसा जो है ना एक डिटरेंट सा, एक नेगेटिव अप्रोच विद द फैकल्टी एवर, बिकॉज अरे यार ये परेशान करता है जबरदस्ती यार, नहीं, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि हम में से कोई भी व्यक्ति यहां पे नहीं है। अगर हम में से कोई व्यक्ति वहां पे होता तो हमको देख के रेपेलेंट अप्रोच रख लो के हाँ ठीक है, अरे यहां पर है ना। वी हैव टू टुगेदर इंश्योर दैट यू आर एबल टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन। अरे आप बच्चे यहां पे क्यों बैठे हो? दो कारण, एक कारण तो आप एग्जीक्यूटिव में पढ़े होंगे, ठीक है, एंड यू हैड वेरी गुड रिव्यूज। दूसरा कि आपको जो बच्चों ने प्रोफेशनल क्लियर कर लिया है, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया होगा, इसके कारण आप यहाँ बैठे होंगे, इसके अलावा तो कोई रीजन ही नहीं है। सो एनश्योर दिस, वाई आर दे गिविंग अ पॉजिटिव रिव्यू और वाई आर यू थिंकिंग अ पॉजिटिव अबाउट एनी फैकल्टी, इट इज जस्ट बिकॉज कि हाँ यार एग्जाम क्लियर करने में बहुत अच्छे से हेल्प हो जाती है और पेपर मस्त जाता है अपना। तो यू एनश्योर कि वो तभी होगा वेन यू हैव दीज माइंड सेट इन योर माइंड। इनमें से एक, अरे आप छोड़ो ना, जो बच्चे एग्जीक्यूटिव के हैं, क्या आपका पूरा बैच पास हुआ? क्या नहीं हुआ ना, फेल तो बच्चे होते ही हैं। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द टीचर, इट इज हाउ डेस्परेटली, हाउ फेथफुली यू आर फॉलोइंग एवरी डायरेक्शन ऑफ द टीचर। तो अगर मैं बोल दूं कि हाँ ठीक है क्लास में बैठकर पास हो जाओगे, इट्स नॉट दैट इजी। आप अगर हर एक चीज फॉलो करने को रेडी हो तो आप 100% पास हो जाओगे, इसकी मैं श्योरिटी ले सकता हूँ, बिकॉज वो इतना बेहतरीन तरीके से डेवलप कर रखा है। MCS में नई नई करके 200 क्वेश्चन बने हुए जो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे अभ्यास शीट के नाम से, जो आपको लिखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब मेरे एंड से क्या हो सकता है कि शीट अच्छी, बुक अच्छी, नोट्स अच्छे, क्वेश्चन अच्छे, लेकिन एट द एंड लिखना तो आपको ही पड़ेगा। एंड स्पेसिफिकली विद गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स, इन बच्चों का तो क्या है कि इनको तो मैं फोड़ भी दूंगा, ठीक है। आपका क्या, आप मतलब एक्चुअली वो ऐसा कौन सा मीम था ना कि ये कोई चीज़ का क्वेश्चन पूछना वो एकदम से जवाब देता है ना ऐसा, तो इट इज़ जस्ट, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई ऐसा बोल रहा हूँ ये होमवर्क करके आना है, वहाँ पे ना, वो आराम से घर पे बैठा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट इट इज जस्ट दैट यू विल हैव टू एंश्योर कि आप थोड़ा सा, इनको तो कैसा है कि थोड़ा एक दो दिन होने दो फिर ठीक है, फिर तबियत से फोड़ेंगे, लेकिन आप बच्चों को थोड़ा सा अपने एंड से डिसिप्लिन बनाना है। एक और चीज़ कहता हूँ, हाँ यार एक और बहुत प्यारी चीज़ है, व्हेन यू स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग फेस टू फेस ना, ऐसा मतलब अगर मैं पिछले 2-3 अटेम्प्ट के रिजल्ट लूँ ना, तो ऐसा आपको एक कॉमन सी चीज़ दिखेगी कि वो रैंकर्स तूफान आते हैं, ऑफकोर्स बाय गॉड्स ग्रेस या फिर बच्चों की मेहनत कह लो, रैंकर्स बहुत तूफान आते हैं। पिछले अगर 2 साल की बात करूँ तो AIR 1, AIR 2, AIR 3, AIR 4 ऐसे सिंगल डिजिट रैंकर है ना, वो 10 से ज़्यादा है। आपके MCS की बुक के लास्ट में आपको मिलेगा रैंकर, ठीक है। उनमें से मेजॉरिटी वो थे जो गूगल ड्राइव में पढ़ रहे थे। सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम? कि सर क्या प्रोसीजर है कि हम वापस गूगल ड्राइव में शिफ्ट होना चाहते हैं? नहीं, उसका रीजन क्या है समझना अच्छे से। जो गूगल ड्राइव पेंड्राइव वाले बच्चे होते हैं ना, उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सर ये क्यों आप बता रहे हो हमें, तो हमने तो एक डिसीजन ले लिया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने एडवांटेज को एक्सप्लोर करो और अपने डिसएडवांटेज पे काम करो। फेस टू फेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लोग पूरे 6 महीने, मतलब अपना बैच ही चलेगा फरवरी एंड तक आप 100% मोटिवेटेड रहोगे। मुझे इसमें कोई 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, आप 100% मोटिवेटेड रहोगे, डेली क्लास में आओगे एंड यू गो टू एंजॉय द माहौल और फरवरी एंड तक मस्ती से दिन निकलेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू विल बी मोटिवेटेड और उसके अंदर मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, वो आप आराम से, वो क्या लोग दिखते हैं ना, मतलब ऐसा अपन को कोई, आप लोग वो हो जो कोविड में एग्जीक्यूटिव निकाले हो मेजोरिटी बच्चे, है ना भाई, कोई देखने को इसको छू सकते हैं, ये दिखता है, ये अपने लिए प्रिविलेज है 100%। तो वंस इस बैच विल फ्लो हेड ना, यू गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद इट, क्यों ये दिखता है तो मार सकता हूँ, इसके साथ रह सकता हूँ, चाय पी सकता हूँ, दिस इज वंडरफुल, सो यू गोइंग टू एंजॉय दैट। तो मोटिवेटेड रहोगे, बैच 100% फरवरी एंड तक आ पाओगे, उसका टेंशन नहीं। डिसएडवांटेज क्या होता है बेटा जी, आपका समय काफ़ी चला जाता है, बिकॉज आप घर से आते हो, ट्रैवलिंग करने में एक समय जाएगा, 2 लेक्चर्स के बीच का एक गैप होगा, वो समय जाएगा, कभी लाइट नहीं होगी तो लेक्चर नहीं होगा, कभी टीचर बीमार है लेक्चर नहीं होगा, कभी आप बीमार लेक्चर नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ नहीं, आप बीमार तो लेक्चर होगा पर आपका अटेंड नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका कुछ एक्स्ट्रा समय वेस्ट होने वाला है, ये बात तय है। आप कुछ भी कर लो, अभी दिवाली आएगी, दिवाली की छुट्टी करनी पड़ेगी, उसके बाद में हाँ हैप्पी न्यू ईयर पर कोई छुट्टी नहीं होती अपने यहाँ, ठीक है, आई डोंट थिंक क्रिसमस के एक दिन की छुट्टी होती है तो होती है, तो आई थिंक मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी कि कुछ अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं। थर्सडे को पता नहीं पुणे के एडमिनिस्ट्रेशन का मन होता है छुट्टी देनी होती है उनको, तो थर्सडे को लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है कभी कभी, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा, ठीक है, हमारा भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये गूगल ड्राइव वाले कितने लकी बैठे हैं, उनका मन है तो लेक्चर चालू, उनका मन है तो लेक्चर बंद, गजब। वो बीमार हो गए तो उनका लेक्चर रुक जाता है उनके लिए ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग?
आपका बैच कंप्लीट होगा फरवरी एंड में, वो लोग चाहेंगे तो वो जनवरी एंड में बैच खत्म करके बैठ जाएंगे। आप आज की तारीख में 9 बजे, मान लीजिए आपका रेगुलर शेड्यूल 9 बजे स्टार्ट होने वाला है ना, तो आप घर से 8 बजे तो निकलोगे। वो सुबह घर से उठते हैं, ब्रश के साथ में उनका लेक्चर चालू हो जाता है। मतलब ये यहाँ पे हमारा हेलो पीपल चल रहा है, इतने उनके ब्रश ही हो रहा होता है, इतने में कुछ लिखाने बैठता हूँ तब वो पॉज करके लिखना शुरू करते हैं। सो यू जस्ट इमेजिन हाउ मच टाइम दे आर सेविंग ऑन अ डेली बेसिस। सो गूगल ड्राइव हैज अ वेरी ह्यूज एडवांटेज दैट दे सेव अ हेल लॉट ऑफ टाइम। दूसरा क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि 4 लेक्चर देखने हैं, ब्रेक उनको नहीं चाहिए तो नहीं लेते हैं, उनका एक लेक्चर खत्म हुआ दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट स्पीड 1.5, वो तो मैं आई डिमोटिवेट दैट, मत करने का, सही कह रहा हूँ मैं, मेरा लेक्चर जबरदस्ती आप स्पीड में मत देखो यार, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारे एडवांटेज हैं जो ड्राइव वाले लेक्चर बच्चे लेके जाते हैं, बट उनका डिसएडवांटेज बताता हूँ। आप बच्चों ने सबने ये आपको मोटिवेटेड है, आपका डीमेरिट है दैट एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा आपका जाता है, ये हो गया फेस टू फेस। और वहीं जो ये जीडीपीडी वाले बच्चे ना, उन बच्चों का सबसे बड़ा पॉजिटिव है जो आपका डीमेरिट है, उनको टाइम एडवांटेज मिल जाता है भाई, कि उनका मन है, उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर ले लिया मान लो पिछले बैच का, उनका मन है तो वो ऐसे भाई साहब तूफान तरीके से खत्म कर देंगे बैच। संडे को मान लीजिए लेक्चर नहीं है, उनका संडे को मूड हो गया, सुबह 4 बजे उठ के लेक्चर्स देखने, दर 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 लेक्चर खत्म कर लिया उन्होंने। सो दे हैव दैट एडवांटेज राइट। उनको सैटरडे को चिल करना है, ब्रेक चाहिए, उन्होंने ब्रेक ले लिया, आप ब्रेक लोगे टीचर के मूड के हिसाब से। आपको समझ में आ रहा है कि मेरा मन हो गया संडे मॉर्निंग लेक्चर लेना है, आना पड़ेगा आपको, टीचर का मन हो गया कि नहीं फ्राइडे को लेक्चर लेना है, आप नहीं आओगे, ऐसा होगा नहीं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि डिपेंड्स ऑन द टीचर अबाउट योर लेक्चर, देयर दे हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, डिपेंड्स ऑन देम, सो दे गेट दैट टाइम एडवांटेज। बट उनका सबसे बड़ा डीमेरिट क्या बेटा जी, आई हैव हैड अ वर्ड विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे मोटिवेटेड घर पे पढ़ने में। ये कहना आसान है कि जनवरी एंड तक वो लोग सिलेबस कर देंगे, ये तभी होगा जब वो जनवरी एंड तक मोटिवेटेड है, अकेले बैठ के वो लेक्चर देखने की हिम्मत रखते हैं। 15-20 दिन होता है और दिमाग में ख्याल आते हैं अजीब अजीब से, CS क्यों, मैं क्यों, दुनिया क्यों, ये क्या हो रहा है, ये किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग, क्या मेरा इसीलिए जन्म हुआ था। What I am trying to tell you, it is very difficult for a student जो कि अकेला घर पे बैठ के पढ़ रहा है to keep himself or herself motivated throughout the tenure. तो उनका problem क्या होता है कि 1-1.5 महीना होता है और वो एक बार वापस collapse से हो जाते हैं, फिर कोई नाना नानी मामा मामी दोस्त कोई तो होता है जहाँ पे जाके थोड़ा सा वो charge up होते हैं वापस से, फिर वापस आते हैं, वापस 10-15-20 दिन होते हैं, वापस collapse हो जाते हैं और उसके अंदर सब्जेक्ट बिगड़ जाता है। सब्जेक्ट क्यों बिगड़ जाता है, फिर सब्जेक्ट को लेक्चर ऐसे देखने पड़ते हैं कि वो मजबूरी में देखने पड़ रहे हैं, दैट इज द डिसएडवांटेज देयर। सो वॉट यू हैव टू डू गाइज इज, जो फेस टू फेस के बच्चे हैं उनको काम करना है कि भैया ये आपको एडवांटेज मिल रहा है तो इसको लेके तूफान पॉजिटिवली यूज करना है, कि आपको हाँ यू हैव टू, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि लेक्चर अटेंड नहीं हो रहे हैं, वो हो जाएंगे जैसे जैसे हो ही जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बचे हुए टाइम में आपको पढ़ाई करना है, बिकॉज आपका डिसएडवांटेज क्या है, टाइम। तो आपको जितना टाइम जहाँ पे मिलता है वो टाइम आपको यूटिलाइज करना है। गूगल ड्राइव वाले बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका टाइम एडवांटेज बेनिफिट है, बट डिसएडवांटेज क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू स्टे मोटिवेटेड, सो यू नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो अ रूटीन। रूटीन आपको रखना ही पड़ेगा, अगर आप रूटीन ही रखो तो कुछ नहीं हो सकता। रूटीन कैसे रखना है, आइडियली डेली का आपका जो लेक्चर का रूटीन वो रखो। फॉर एग्जाम्पल आप 4 सब्जेक्ट देख रहे हो तो चारों का एक एक लेक्चर देख लो पहले, उसके बाद में आपको जिस सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा लेक्चर्स देखने हो देखो। तो इट विल बी समथिंग लाइक कि पहले आपके रेगुलर लेक्चर्स हो गए, फिर अब एक्स्ट्रा लेक्चर चल रहे हैं सेकंड हाफ में, तो फर्स्ट हाफ में 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल चारों का एक एक लेक्चर देख लिया, उसके बाद में एक ब्रेक ले लिया दिन में, आराम से खाया पिया, चिल किया, वॉक वॉक किया, भागे दौड़े आए, उसके बाद में एक्स्ट्रा लेक्चर, फॉर एग्जांपल मनोराज फंडिंग है, फंडिंग के 4 लेक्चर फोड़ने, सेकंड हाफ को एक्स्ट्रा लेक्चर मान के खत्म करो, स्कूल में नहीं होता था जैसे कि। तो ऐसा एक रूटीन बनाओ अपने लिए कंपलसरीली, दैट विल हेल्प यू किल इट, एंड यू गाइज एनीवेज हैव द टाइम एडवांटेज इन हैंड, राइट? तो प्लान इट अकॉर्डिंगली एंड यू आर गोइंग टू डू ग्रेट, ठीक है। अब इसके अंदर एक और तीसरी कैटेगरी आती है, उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो आर्टिकलशिप के साथ में कर रहे हैं। तो भाई जो आग से खेल रहे हैं वो आग से खेलना सीखो, ठीक है, उल्टा सीधा मत करो। बस एक चीज़ का ध्यान रखो, जो आर्टिकलशिप के साथ में कर रहे हैं बेटा जी, डू नॉट स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ ऑल द 3 ग्रुप्स, दैट्स वेरी डेंजरस, दैट्स वेरी डेंजरस, यू गोइंग टू अननेसेसरी वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, सेंस नहीं बनता है। यू स्टार्ट एनी वन ग्रुप, आर्टिकलशिप चल रही है और सुबह उठ के कोई एक ग्रुप चालू कर दो, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट विद ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, 2 सब्जेक्ट खत्म करो, शाम को 1 सब्जेक्ट चला लो, और इस तरह से ग्रुप बाय ग्रुप जाओ। मान लो 3 महीने बाद आपका एक ग्रुप हो गया एंड यू थिंक अभी एग्जाम में 6-7 महीने में है, आर्टिकलशिप के साथ में मैं एक और ग्रुप ले सकता हूँ, देन यू टेक 1 मोर ग्रुप। अभी आप 3 ग्रुप के 1-1 सब्जेक्ट ले लोगे, एंड में समझ में आएगा कि 3 ग्रुप दे नहीं पा रहे हो और बहुत हैफजार्ड हो जाता है। तो जो आर्टिकलशिप के साथ कर रहे हैं, पिक एनी 1 ग्रुप, कंप्लीटेड एंड देन गो विद द नेक्स्ट ग्रुप, ऐसा प्लान। लास्ट चीज, जो बच्चे ऐसे हैं मेंटली क्लियर हैं कि सर हम तो फेस टू फेस वाले तो वैसे भी क्लियर ही हैं, और जो जीडीपीडी वाले भी बच्चे हैं कि हमने आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं किया,
नहीं मिल रही, कोई भी कारण है बट कर नहीं रहे हैं, उन बच्चों को वेरी क्लियर माइंडसेट के साथ जाना चाहिए विद ऑल द थ्री ग्रुप्स। आपको व्यक्ति दो ग्रुप भी दे रहा है तो मेरे को कोई परेशानी नहीं, उसको भी साथ में सपोर्ट करते चलेंगे, बट हैव अ क्लियर माइंडसेट ऑफ थ्री ग्रुप्स, डू नॉट चेंज इट अप, बिकॉज प्रैक्टिकली आप एक साल का ड्रॉप ले रहे हो, ये मान के चलो। नॉट स्टार्टिंग आर्टिकलशिप इज प्रैक्टिकली लाइक ड्रॉपिंग अ ईयर, वेन यू आर ड्रॉपिंग अ ईयर इट हैज टू बी कंप्लीटली वर्थ इट, इट हैज टू बी 100% वर्थ इट, ऐसा। तो प्लान इट वेरी नाइसली एंड गो हेड, तीनों ग्रुप ही देना चाहिए, तीनों ग्रुप के बहुत सारे एडवांटेज वगैरह वो सब आपने पहले देख लिए होंगे, वो सब जो सेट ऑफ एट ऑफ का बेनिफिट मिलता है वो सब, बट प्लान इट वेरी नाइसली एंड गो हेड, ठीक है। ये हो गया आपकी प्लानिंग को लेके। एक चीज वापस EDP, लास्ट चीज, और इसके बाद में कुछ और बात करेंगे EDP को लेके, कि EDP कब करनी चाहिए। तो देखो जो GDPD वाले हैं, जब मने तब कर लो, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि आपको जब अर्लीस्ट EDP मिलती है तब आप कर लीजिए, सो दैट आपका तो क्या है, मन हुआ तो लेक्चर शाम को करोगे, सुबह करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस ये ध्यान रखो कि एग्जाम जब है उसके लास्ट 3 मंथ्स के अंदर EDP मत करो। जब एग्जाम, मान लीजिए आप लोगों का एग्जाम है June 2023, तो उसके 3 महीने के अंदर EDP करना बेवकूफी है, तब तो पढ़ाई पे ध्यान दोगे ना। तो उसके अलावा 3-4 महीने के पहले जब EDP मिलती है तब आप कर सकते हो। अब फेस टू साल बच्चों का आता है कि हम EDP कब करें, एक तो अर्लीस्ट अभी कोई होता तो कर सकते थे, बट मेजॉरिटी चैप्टर हाउसेस अलग, उनका मूड चलता है, वो अपने हिसाब से EDP लॉन्च कर, मतलब ये एक मुझे सही में समझ में नहीं आया, ठीक है। फ्रॉम एनी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब रिजल्ट आता है उसके बाद तो EDP का बैच होना ही चाहिए, उनका बैच बाद में आएगा, तो उनका लॉजिक कैसा है, मतलब कि आप आर्टिकल से बाद में बीच में लॉन्च करोगे, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो आइडियली अभी EDP के बैचेस होने ही चाहिए, दिस इज द एवरीवन वांट्स टू डू EDP राइट नाउ, बट EDP के बैचेस नहीं है, उनके मन से आएंगे जब तब आप करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट जनरली जब 6 महीने का पीरियड चल रहा है ना, इसमें EDP अगर नहीं करो तो चलेगा, इसमें EDP करने का एक डीमेरिट आ जाता है, बस कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी तरफ से। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति छुट्टी मारता है तो कोई लेक्चर बैकअप नहीं देगा, मैं मेरा बता रहा हूँ, बाकी छोड़ दो, छुट्टी मारते हो आप कोई लेक्चर बैकअप नहीं, EDP अगर कोई करता है तो लेक्चर बैकअप मेरी तरफ से मिलेगा। आपके अगर कोई ऐसे BCom, MCom ऐसा कोई एग्जाम आता है तो लेक्चर बैकअप मेरी तरफ से मिलेगा, कोई भी परेशानी नहीं है। एग्जामिनेशन और EDP, इनके अलावा किसी भी चीज़ का लेक्चर बैकअप नहीं मिलेगा, और ये आपके बेनिफिट के लिए, जब लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरे लिए देना आसान है, बट इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, अदरवाइज यू गेट कैजुअल एंड वो पूरा फील टूट जाता है, तो बना के रखना फील। तो EDP का बच्चों का अगर आप इस दौरान कर लेते हो EDP, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि 15 दिन की छुट्टी होती है और आपको भले लेक्चर मिल जाते हैं, फ्लो टूट जाता है, फिर आप जब वापस आके क्लास रिज्यूम करते हो ना, तो वो कॉन्फिडेंस आने में थोड़े दिन लग जाते हैं, तो इट इज़ ओके। इन 6 महीने के दौरान जब आपके बैचेस चलते हैं तब EDP नहीं करोगे तो इट इज़ परफेक्टली फाइन, कोई परेशानी की बात नहीं है, वो उसके बाद में हो सकता है, इवन आफ्टर द एग्जामिनेशन एज वेल। तो अभी करना था तो अभी कर लिया, नहीं करा तो बाद में कर सकते थे। अब यार बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब एक लास्ट चीज़ और फिर थोड़ा सा सब्जेक्ट पे आ जाऊँगा, बुक्स। फॉर MCS यू गेट 3 बुक्स, एक आपको मिलती है योद्धा, एक आपको मिलती है सारथी, और एक मिलेगी आपको वर्कबुक। इंट्रोडक्टरी सेशन जो फर्स्ट और सेकंड हुए थे वो देखा था ना थोड़ा बच्चों ने, थोड़े लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चलो मैम देखा है पक्का आपने, हाँ पक्का, ठीक है चलो। सो दो सेशन में मैंने एक आइडिया बुक का वैसे भी दे रहा था, 3 बुक्स मिलने वाली है आपको। बुक्स कब तक मिलेगी? फेस टू फेस वालों को, फेस टू फेस वालों को बच्चों को वेंसडे, टुडे इज मंडे, वेंसडे के दिन आपके हाथों में किताबें आ जाएगी जबरदस्त तरीके से GDPD, वेंसडे से बुक्स आपकी यहां से डिस्पैच होना शुरू होगी। फेस टू फेस को हाथ में देना मेरे लिए कितना आसान है ना, बुक लाऊंगा और मैं ऐसे दे दूंगा, मैं ऐसे आपको नहीं दे सकता हूं, तो वेंसडे को बुक आपको मिलेगी नहीं, वेंसडे से MCS एडिशन 4 की बुक्स डिस्पैच होना शुरू होगी। तो वहां से आप डिपेंड करता है पुणे से कितना दूर रहते हैं, उतने के अंदर आपको बुक्स मिल जाएगी। आई थिंक कहीं भी रहते हैं आप लोग दूर से दूर, विद इन अ वीक टाइम आपको बुक्स जहां भी है वहां तक पहुंच जानी चाहिए। तो वेंसडे से बुक्स का डिस्पैचिंग शुरू हो रहा है पुणे से, चल ये एक और बात हो गई। अब इसके अलावा यार कोई सवाल रह गया तो पूछो, नहीं तो फिर मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ। यस, कोई सवाल रह गया किसी के दिल दिमाग में तो पूछो, नहीं नहीं पूछ लो यार, ऐसे क्या देख रहे हो जैसे कि टीवी देख रहे हो, टीवी सुन रहे हो, मैं सामने खड़ा है, बात करेंगे पूरा मस्त फोड़ा फाड़ी करेंगे, बहुत बढ़िया मजा आएगा बैच के अंदर। मुझे एग्जीक्यूटिव के एग्जाम के एक दिन पहले ये सब सवाल आते हैं। चलो एक बच्चे का सवाल है जवाब दे देता हूँ कि बैच कैसा है बेटा जी आपका, MCS का बैच है जो स्टार्ट हो रहा है सितंबर मिड से, ये मैक्सिमम चलेगा दिसंबर मिड तक, उसके पहले कंप्लीट कर दूंगा मैं। दिसंबर से आपका बैच शुरू होगा जो कि फरवरी एंड तक चलेगा फॉर फंडिंग एंड IBC, ये सब एडिशन 4 है, ये आपको आपके बुक्स के ऊपर लिखा हुआ भी मिल जाएगा एडिशन 4, ठीक है बेटा जी। गूगल ड्राइव पेनड्राइव वाले बच्चों ने एक और कॉम्बिनेशन लिया होगा कि MCS 4 के साथ आपने शायद फंडिंग का रिकॉर्डेड और IBC का रिकॉर्डेड भी ले लिया होगा, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना, वो भी आपके जून 23 एंड ऑनवर्ड्स के लिए एप्लीकेबल रहता है।
यस यार सवाल पूछो कुछ तो, गोवा आप पूछो कुछ। अरे पूछो ना मैम, मौसम कैसा है वहां पे? ठीक है, अभी गर्मी होगी अभी तो। अरे बट वहां पे आपके लोग तो है ना। हाँ अभी बारिश है वहां पे, बहुत बढ़िया, यहाँ पे बारिश हो रही है फिर तो ठीक है। चलिए कोई सवाल पीछे, आप इतने सीरियस क्यों? हाँ हाँ नहीं 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 हाँ हाँ जी, तबीयत भी ठीक नहीं है क्या? हाँ थोड़ा सा लाइट रहने का, ठीक है ना। अपना माइंड जो है ना जितना फ्री रहता है ना उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उस चीज़ को अब्जॉर्ब कर पाते हो। जितना आप थोड़ा सा वैसे रहेंगे ना एकदम डिसिप्लिन अपनी जगह पे चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। हाँ भाई माइंड फ्री मतलब ऐसे नहीं कि पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ कि सर पैर थोड़ा बेंच पे रखने की इच्छा हो रही है सर, नहीं, डिसिप्लिन के साथ में थोड़ा सा माइंड को ओपन रखोगे तो उससे क्या बेनिफिट रहता है कि आपको वो चीज़ कहीं भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है। तो एक ऐसा सरस्वती माता का आशीर्वाद है मुझ पर, ऐसा जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि व्हाट आई से स्टूडेंट्स को एग्जाम में आराम से याद आ जाता है, ठीक है ना। तो उसका मैं आपको बताता हूँ उसका एक छोटा सा कारण साइंटिफिकली ये है कि व्हेन आई एम इन द क्लास जनरली आई ट्राई एंड एंश्योर एन एटमॉस्फेयर दैट यू डोंट फील लाइक कि हाँ मैं कोई बहुत भारी टीचर हूँ, आपको एकदम ऐसा बैठना पड़ रहा है, ऐसा देखने पड़ रहा है, यू कैन रिलैक्स एंड सिट इन द क्लास। उससे होता क्या है कि उससे बोली हुई हर चीज़ को लेकर आप रिसेप्टिव रहते हो, ओपन माइंड से रहते हो कि हाँ ठीक है ना, हाँ ये बोल सही बात होगी, तो वो दिमाग में ज़्यादा बेहतर तरीके से बैठ जाती है। वहीं अगर आप बहुत कॉशियस होकर बैठेंगे कि अरे हाँ ऐसा ऐसा, तो उसमें आप उस कंटेंट उस टॉपिक के ऊपर उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। तो क्लास में एकदम ओपन माइंड से बैठना है, आपको जहाँ पे लगता है कि मान लीजिए मैंने कुछ कह दिया एंड यू डोंट अग्री विथ इट, कोई परेशानी नहीं है, बोल सकते हो, बट मतलब ऐसे हाथ कर दोगे और फिर बोलेंगे तो उससे क्या होता है कि बैच ऑर्गेनाइज करके जाएगा। आप एकदम से ऐसा बोल दोगे तो फिर क्या होगा कि मुझे वहीं रुकना पड़ेगा। तो बस आपको जहाँ भी लगता है ना कि सर नहीं यहाँ पे मैं कुछ एड ऑन करना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग, तो आप हाथ ऊपर कर देना। जीडीपीडी वाले, अरे मैं कह रहा हूँ आपके लिए, आप बच्चों के लिए ये सब जो है ना ये वरदान है, बताता हूँ। सबरी बेर ऐसे खा रहे हैं और फिर जो अच्छे हैं वो आपको मिल रहे हैं। मतलब जो भी आपको कभी कभी जीडीपीडी को ऐसा लगता है कि सर हमें कोई डाउट आ गया तो या कुछ हो गया तो क्या, ये सब क्या है, ये सब आपकी सैम्पलिंग है। यहाँ पे हर एक चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड होकर आपके पास आती है, तो हर पॉसिबल चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है और फिर जो सही चीज़ है वही आप तक पहुँचती है। मान लीजिए मैंने बीच में कोविड में अकेले घर पर रिकॉर्डिंग भी की थी, तो उसमें एक दो बार कैसा हो गया कि माइक की बैटरी बीच में खत्म हो गई और मैंने पूरा अगला 1.5 घंटा पढ़ा दिया अच्छे से। फिर जब एंड में मैंने देखा फिर थोड़ा मैं रोया, थोड़ा बच्चे रोए क्योंकि लेक्चर जा चुका था। फिर मुझे जब पहली कंप्लेन आई तब मुझे समझ में आया ऐसा है। फिर वो वापस जब दूसरी बार रिकॉर्ड करना मैं 2 बार रोया, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आप बच्चों को प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकती, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टूडियो रिकॉर्डिंग, दिस इज अ क्लासरूम रिकॉर्डिंग। ये सब बच्चे सामने बैठे हैं। अरे मैं अगर कोई उल्टी सीधी बात करूंगा अगली बार मैं आके बोल दूंगा ना कि अरे ये मुकेश अंबानी और अपने अदानी जो दोनों भाई है ना, ऐसा कुछ बोल दूंगा मान लो, तो ये लोग वहीं मुझे हाथ पकड़ लेंगे, सर सुनो रुको, माना टीचर हो पर आप कुछ भी तो नहीं बोल सकते ना। तो अगर कुछ भी ऐसा होगा तो इट विल बी ऑल डिस्कस इन द क्लास, यू स्टे रिलैक्स, आपको परेशानी आएगी। फर्दर आई एम डेवलपिंग अ फोरम, तो उसको डेवलप होने में थोड़े दिन लगने वाले हैं। एक बार फोरम डेवलप हो गया तो उसमें क्या होगा कि आप बच्चों का जो मन होगा आप वो वेबसाइट पे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी अच्छा रिप्लाई, मतलब एकदम फुल फ्री ट्विटर फॉर सीएस, वहाँ पे आप कुछ भी भेज सकते हो, जो आपको डाउट वगैरह आता है वहाँ पे भेजो, कोई भी रिप्लाई कर सकता है। मैं ऑफकोर्स एडमिन तो रिप्लाई करी गई, तो इस प्रकार से बहुत माहौल अच्छा बन जाएगा जिससे कि आपको भी कोई डाउट अगर कभी आ जाते हैं तो भी क्लियर हो जाएगा। लेक्चर में उस बारे में बताऊंगा, इट विल टेक सम अराउंड 7-8 more days ऐसा समझो, ठीक है। यस अब कोई और सवाल, मैम आप कुछ पूछो। नहीं, क्लास में सीरियस रहना नहीं, ठीक है, डिसिप्लिन में रहना है लेकिन सीरियस नहीं रहना है, एकदम लाइटर नोट पे रहो। जहाँ पे परेशानी होती है ऐसे ऐसे करते रहो, ठीक है ना, धीरे धीरे इंटरेक्टिव रहेगा एंड इट विल टेक सम टाइम, बट आप मस्ती से फ्लो में आ जाओगे एकदम, ऐसा तूफान बना दूंगा मैं आपको, उसकी चिंता मत करो, ठीक है ना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ही घर से निकले बाहर, एक एग्जीक्यूटिव पहले निकले, कहाँ गए थे एग्जीक्यूटिव? जमशेदपुर से पहले आप कोलकाता गए थे, वहाँ से तो वो तो पास में, हाँ, और फिर पुणे आए, बहुत बहुत दूर यार। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, उन्हें क्लिप फेमस हो जाएगा। अरे नहीं भाई वो ये ना वहाँ पे, अरे हाँ हाँ कुछ बोलो, मसाला नाम बता दो नाम, ऐसा तो वो सब नहीं करेंगे, ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं, प्यार मोहब्बत से पढ़े। वैसे मेरे लेक्चर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है तो मैं अवॉइड करूंगा यहाँ पे नहीं। यस मैम पहली बार निकलो घर से, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगे कौन, आप पहली बार निकले मैम? अरे आपके चेहरे से लग रहा है मैम 3-4 दिन में ऐसा कॉन्फिडेंस था, फोड़ो एकदम आसपास लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कॉन्फिडेंस में बैठने का एकदम, ऐसा परेशान नहीं होने का। यस मैम अभी पहली बार निकले हो? डोंबिवली राइट? यस पहली बार निकले हो, कहाँ से आप? औरंगाबाद से पहली बार आ रहे हैं, औरंगाबाद तो खैर अपने यहीं गली के कोने पे ही है, परेशानी नहीं आई। अभी पहली बार निकले हो ना सर? यस 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 बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। डोंबिवली यार सम फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन इज फ्रॉम डोंबिवली क्या? हाँ यस 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 यस, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो
कोई सवाल नहीं है तो फिर पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं फिर थोड़ी सी। चलो यार सर लेक्चर्स डेली बेसिस पे अपलोड। बेटा जी यार लेक्चर्स कैसा होगा कि वो लेक्चर्स मैं ये वाला लेक्चर अपलोड नहीं करता, आप देखोगे ना उसमें क्वालिटी और भारी आती है। इन लेक्चर को मैं एडिट करवाता हूँ, उसके अंदर कोई भी वॉइस का इशू है कोई भी चीज़ उन सबको हटवाता हूँ और फिर वो अपलोड होते हैं। तो दैट टेक्स सम टाइम। तो एवरी वीकेंड पे संडे को यहाँ के जो हफ्ते भर के लेक्चर्स हैं ना गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चों को मिल जाएंगे। ठीक है सर, मैक्सिमम एक दिन में कितने सब्जेक्ट के लेक्चर्स देख सकते हैं इफ वी आर गिविंग टू ग्रुप? दो ग्रुप देख रहे हो, एक दिन में कितने लेक्चर? तीन ग्रुप भी दे रहे हो तो दिन में समय तो उतना ही होता है ना आपके पास, गधे ये क्या बात हुई। आप कितने भी ग्रुप दो आपके दिन भर में समय तो उतना ही है ना, तो आप लिमिटेड लेक्चर्स देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट इस जो जो सब्जेक्ट उठाए मैक्सिमम चार, उससे ज्यादा नहीं उठाने का, एक एक लेक्चर देखने का। और फिर जिस लेक्चर को देख के ऐसा मन होता है ना कभी कभी कि कनेक्टिंग टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो नेक्स्ट भी देख लो। बोले जो घर पे पढ़ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर देखना है, फिर मान लो एक लेक्चर देखा उसके अंदर कोई कनेक्टिंग टॉपिक है अगले में, तो फिर एक्स्ट्रा लेक्चर में उसके देख लो ऐसा। तो सेकंड हाफ में एक्स्ट्रा लेक्चर किसको देख रहे हो उसका डिसिप्लिन मत रखो, जो मैंने वो देखो, बट हर एक का एक एक लेक्चर डेली देखो, थोड़ा डिसिप्लिन का फील आना भी अच्छा होता है। एमसीएस के लेक्चर रोज लाइव नहीं होंगे? अरे नहीं, मैं मेरा एक प्रॉब्लम है क्या है कि मैं वो सिर्फ मतलब आज का लेक्चर अपन लाइव रख रहे हैं, ठीक है, कल से बेटा जी मैं सिर्फ इन बच्चों के साथ में बात करूंगा और ये लेक्चर आपको अपलोड हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, सब्जेक्ट की जो क्वालिटी है ना वो बेहतर तरीके से उसमें आएगी 100%। ठीक है, तो ये आज अपन लाइव रखा है, आपके बहुत सारे सवाल थे इसलिए। रुतुजा आपको फेस टू फेस आना है एमसीएस के लिए, आ जाओ। मतलब ऐसा प्रॉब्लम टाइम का ना, तो टाइम का कंफर्म कर लो। मोस्टली लेक्चर मेरा मॉर्निंग में रहेगा 9:30 के आसपास, आज एक दो लेक्चर सौम्य मैम नहीं है तो आज मैंने लेट किया बस। एक बार नाम ले लो, मोहित मोहित मोहित। तीनों ग्रुप के लिए कैसे प्रिपरेशन करें? बेटा जी आई वुड सजेस्ट कि पहले वही कि जनवरी एंड का टारगेट रख लो कि सारे क्लासेस अब तक खत्म हो जाने चाहिए, एट अ टाइम 4 लेक्चर्स देखो। नहीं देशना जी आज ही अकेला लेक्चर हो रहा है ऐसा। चलो ये शरी हर संडे को ये लेक्चर्स आपके ड्राइविंग में अपलोड हो जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। MCS लाइव भी अवेलेबल कर दो ना। अरे बेटा जी लाइव में क्या होता है वो थोड़ा समय बहुत वेस्ट हो जाता है एंड इस कारण से, और वो सब्जेक्ट को जितना डेप्थ में जाना है उतना जा नहीं पाते, इस कारण से मैं लाइव को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ पूरे बैच के लिए। सरयूर मी क्या होता है स्नेहल, वो सब डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वगैरह GDPD की भी होती है, कॉपीज भी चेक होती है, सब कुछ होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट, पूरा उसका फॉर्मेट सेट है। ये प्राजपीति मैंने बताया है, हाँ मुस्कान मैं डेली लूंगा ना लेक्चर, ऐसे कौन पूछता है। अरे मोहित बहुत बहुत आभार। ओके, जो बच्चे दो ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं सिलेबस कब तक कंप्लीट होना चाहिए? आई थिंक यू टारगेट बिफोर डिसंबर, दिसंबर तक को तो कर ही लो सारे लेक्चर्स खत्म, बिफोर डिसंबर भी हो जाना चाहिए। चलिए यस गाइस, हाँ नाउ बैक टू यू। ठीक है, इसी में मैं खो देता हूँ ना इसलिए, कल से अपन मस्ती से बैठेंगे, आज तो ठीक है। चलो अब मुझे और कौन परेशान दिख रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं सब खुश दिख रहे हैं, एकदम बढ़िया। आप कहाँ से सर? बिहार से? बिहार में नालंदा, वही नालंदा जो पहले बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी। हाँ अरे तूफान, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, चलिए जबरदस्त। अब क्या ऐसा लगता है ना किसी की पार्टी में, मतलब हम डायरेक्टली इनवाइटेड नहीं थे, फ्रेंड की पार्टी थी, हम चले गए, वहाँ बैठे हैं हम एकदम। अब क्या चलो का तो इधर आओ, ठीक है ना। पढ़ाई तो कल से शुरू करेंगे हम अच्छे से, लेकिन आज आपसे थोड़ा सा एक रफ आइडिया पढ़ाई का शुरू करना जरूरी है। चलो क्लब कल नहीं परसों आपको बुक्स भी मिल जाएगी तो आपको बेहतर ये सब आपको क्या। ए हाँ मैं शुभम शुक्लेचा, ए हाँ जो बच्चे ऐसे हैं कि वो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, हाँ वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स नहीं देखा है किसी ने तो, है ना, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको अच्छे से, ठीक है। चलो आ जाओ, ये सब चीज़ें मैं लिखवाऊंगा वैसे आपको क्लास में एक बार अच्छे से, बट कोई है क्लास में जिसने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा ही नहीं है? एकदम हक से बोलोगे, प्रॉब्लम नहीं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखा मैंने, गोवा क्या है ये, क्यों नहीं देखा मैम? अभी देख लोगे ना, कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा दूंगा। अरे आपके लिए मैम स्पेशल ट्रीटमेंट रहेगा, आप चिंता मत करो, एकदम मस्ती में। यस देखा है, बाकी सबने देखा इंट्रोडक्टरी लेक्चर? शर्म हया लज्जा, गधों रखो सब लोग, है ना। चलो वो बात तूफान मैम है, उन्होंने क्या किया पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग आपस में सब एक दूसरे को पहचानो अच्छा है।
सो व्हाट शी इज डन इट्स, उन्होंने उनका एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया, ऐसे तीन बच्चे थे तूफानी पिछले बैच में थे, एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया उन्होंने June 2022, है ना। और एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देते ही कुछ लोग होता है ना कि अब पढ़ाई करनी है और लाइफ में भी क्या है, उसके बाद उन्होंने तुरंत ही प्रोफेशनल की क्लासेस ज्वाइन कर ली। तो तब मेरा फंडिंग और आईबीसी का बैच शुरू हुआ था, तो शी इज डन विथ हर फंडिंग एंड आईबीसी, वो बैच उनका हो चुका है, ठीक है। आप सब इनको ऐसे देख रहे हो, हाँ ठीक है, उनका फंडिंग आईबीसी हो चुका है और अब एमसीएस का ये वाला बैच हो रहा है, तो एकदम एनी वेस्ट दो स्टेप आगे, बट लोड मतलब अपन तेज भागेंगे, ठीक है, उनका टाइम वेस्ट करेंगे अपन सब थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो सब लोग ऐसे डिवाइड कर लेना कि कैसे टाइम वेस्ट करना है उनका, ताकि फटाफट से बाहर अपन फटाफट से आगे निकल जाएंगे, ठीक है, वो अपन कर लेंगे उसका टेंशन मतलब। चलो वेरी गुड, तो ये यहाँ पर सब बच्चों को अच्छे से पता ही होगा, बट ये बात दिमाग में रखनी है अपन को कि पेपर कैसा रहता है। पेपर जो ओपन बुक का आता है उसके अंदर कोई भी चॉइसेस आते नहीं है, तो कोई भी टॉपिक को पढ़ते समय ये नहीं सोच सकते कि ठीक है ना, नहीं, हर एक टॉपिक 100% दिलो दिमाग में बैठना ही चाहिए। पेपर ऐसा आता है, पहला क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स का, जिसके लिए आपको एक प्रॉपर सेपरेट बुक मिलती है, वर्कबुक, तीन बुक्स में से एक वर्कबुक। उसके बाद में बाकी आपके जो क्वेश्चन आते हैं 5 questions of 12 marks ईच, जिसके अंदर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बैच का पहले मैं आपको आइडिया दे चुका था, इसमें आपको ज्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। बुक्स का ही पहला आइडिया दे दिया था, व्हाई केस लॉज आर सो इंपॉर्टेंट, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि कल हम पहला केस लॉ पढ़ पाएंगे, ठीक है। चल, व्हाई केस लॉज आर सो इंपॉर्टेंट, होता कैसा बेटा जी कि आप बच्चे जो चीजें पढ़ते हैं अभी तक थियोरेटिकली, राइट, एंड वन मोर थिंग यहीं पे आता है कि ICSI ने हमें परमिशन दे रखी है ना कि हम लोग आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर द एग्जीक्यूटिव, बट व्हाई इवन आफ्टर दैट एवरीवन स्टार्ट्स आर्टिकलशिप After professionals only, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका एक रीजन ये भी है, हाँ क्लास में कोई ऐसा है क्या जिस व्यक्ति ने आर्टिकलशिप स्टार्ट करने की कोशिश की थी उसके बाद में यहाँ पे डिसाइड किया? आपने की थी कोशिश? यस, तो क्या हुआ? अच्छा, मिला नहीं, लिस्टेड कंपनी में मिला नहीं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण थियोरिटिकली तो एक चीज कही जाती है कि एक चॉइस दी गई है कि आप एग्जीक्यूटिव के बाद में आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लो, लेकिन एग्जीक्यूटिव के बाद में क्यों मेजॉरिटी लोग आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर पाते, उसका एक रीजन है, बिकॉज नो गुड फर्म और अ कंपनी टेक्स इंटर्न हु आर जस्ट एग्जीक्यूटिव क्लियर, दे वांट पीपल हु हैव अ बेटर नॉलेज, प्रोफेशनल के बाद आते हैं, थोड़ा से बेहतर पेडेस्टल पे होते हैं आप। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, आई थिंक या तो इंस्टीट्यूट को कंपलसरी कर देना चाहिए, अगर कंपलसरी एग्जीक्यूटिव के बाद में है तो अब सारे ही ऑप्शन वही आएंगे ना जो एग्जीक्यूटिव बाद वाले हैं, तो कंपनीज और फर्म अमंग देम विल चूज, तो लॉजिकल होता है। अभी जब चॉइस दे दिया है तो कंपनीज और फर्म भी प्रेफर करती है जिन्होंने प्रोफेशनल का एग्जामिनेशन लिखा है। अब होता क्या है उसमें कि आपको एग्जीक्यूटिव के बाद में बहुत ही थ्योरेटिकल नॉलेज है, ऐसा एक एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों ने टेक ओवर कोड में पढ़ा है, आज ही सुबह ने पढ़ाया था टेक ओवर कोड, इसमें आप बच्चे पढ़कर आए हैं कि जैसे ही 25% टच हो जाता है, याद आ रहा है ना सबको, ये पूर्व जन्म की बातें है ना, कि जैसे ये तो मेरा सब्जेक्ट ठीक है, बाकी सब्जेक्ट आएंगे पूरा एग्जीक्यूटिव वापस पढ़ाएंगे, भाई एग्जीक्यूटिव का कंपनी लो, जिसको ऐसा लग रहा है कि चलो अच्छा है निपट गया, पूरा का पूरा वापस आने वाला है, पूरा का पूरा कंपनी लो, इतना ज्यादा क्रोध क्रोध के भरा है उन्होंने हर एक सब्जेक्ट के अंदर प्रोफेशनल्स के अंदर कि आप लोग कंपनी लो से पीछा, और कंपनी से पीछा कैसे छुड़ाना चाहते हो, कोर्स कौन सा कर रहे हो कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी लोग का तो 100% डिटेल नॉलेज होना ही चाहिए, तो वापस आने वाला है सर। तो टेक ओवर कोड की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव में हमने ये पढ़ा, एनी पर्सन अलॉन्ग विद पीएससी अक्वायर अलॉन्ग विद पीएससी हु इंटेंड्स टू अक्वायर सच नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग टचेस 25%, देन द पर्सन हैज टू फर्स्ट गिव एन ओपन ऑफर फॉर एटलीस्ट 26%। ब्यूटीफुल, तो ऐसा कुछ आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है। अब क्या होता है बेटा जी, हम लोग थ्योरी में पढ़कर आए कि 25% टच करते ही ओपन ऑफर देना पड़ेगा, देना होगा मतलब देना होगा, मतलब ऐसे कैसे नहीं दोगे, आपने 25% टच किया तो आपको ओपन ऑफर देना ही पड़ेगा। एमसीएस के अंदर मैं आपको एक केस लॉ पढ़ाऊंगा जिसके अंदर ऐसा हुआ, देयर वाज अ कंपनी, उसने कुछ शेयर्स अक्वायर किए और अक्वायर करके उनकी होल्डिंग हो गई 25.04%, उनकी होल्डिंग टच हो गई 25.04%, हम क्या पढ़ कर आए, ओपन ऑफर दो 26% का, तो बिल्कुल हम यही बात करेंगे। बट यहाँ पर कोर्ट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया, कोर्ट ने बोला कि नहीं यार, अगर यहाँ पर हमने कह दिया कि आप 26% का ओपन ऑफर दो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर अ कंपनी, दे हैव वायलेटेड द प्रोविजन, कितना इतुजा 25.04 इतुजा वायलेट किया है, तो इतने से वायलेशन के लिए आस्किंग देम टू मेक एन ओपन ऑफर विल नॉट बी प्रैक्टिकल। व्हाट दे सेड कि जो शेयर्स अक्वायर किए इनको सेल करो, सेल दी एक्स्ट्रा शेयर, ये शेयर को सेल कर दो, और थोड़ा बहुत पेनल्टी टाइप लगा दिया कि ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा भर दो,
इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा भर दो। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरा ये मानना है कि भारत में सारे ट्रैफिक पुलिस बहुत ही ऐसा नॉन करप्ट होता है, मैं कुछ एक आधे एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक्सेप्शन का, ठीक है ना, जनहित में। अरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कॉन्ट्रोवर्सीज में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, और एटलीस्ट पढ़ें तो कम से कम वर्थ इट होना चाहिए कोई रीज़न, ठीक है ना। ये क्या वर्थ इट है, क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि आप जाते हैं, मान लीजिए हेलमेट नहीं पहन रखा है, अब ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, ठीक है, जितनी छोटी सिटी उतना ट्रैफिक पुलिस पावरफुल रहता है। बड़ी सिटी में क्या होता है कि लोग थोड़े होते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं करता, छोटी सिटी में तो चाबी लेके जेब में रख लेता है पहले ही कि आप देखो क्या करना है। जितनी छोटी सिटी वहाँ पर ऐसी गुंडागर्दी थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। तो व्यक्ति मान लीजिए चाबी अभी ले लिया, उसके बाद में अरे हेलमेट नहीं पहन रखा, ये करो वो करे करो, तो फिर पहले तो आप 2 मिनट तक तो नॉर्मल आर्ग्यू करते हैं, अरे नहीं पहना था, मेरा तो घर यहीं है, मैं तो यहीं जा रहा था, हॉस्पिटल, हम जो भी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है वो सारे वहाँ पर दे देते हैं पहले 2 मिनट। उसके बाद हमको समझ में आता है कि नहीं ये सब चलेंगे नहीं, अब तो कुछ होगा ही सही। फिर वो व्यक्ति आपके ऊपर एक बड़ा सा अमाउंट फेंकता है, 5,000 की पेनल्टी है फॉर नो हेलमेट और समथिंग, देन फिर आपको समझ में आता है देना तो पड़ेगा ही। फिर आप थोड़ा सा ऐसा कहने की कोशिश करते हो कि सर 150 रुपया देगा, 150 रुपये हैं वॉलेट में सर, क्या कर सकते हैं। फिर मोस्टली तो यही होगा कि व्यक्ति कहता है नहीं चालान कटेगा आपको और आपका चालान कटेगा। बट अगर मान लीजिए वो व्यक्ति की मन में मंशा कुछ और है, तो वो पहले क्या करते थे कि ठीक है किसी को अगर करप्शन पैसा लें तो आपसे 100 रुपये ले लेते थे, बट अब डिजिटल वर्ल्ड में ले ही नहीं सकते ना। अरे भाई हर दूसरा आदमी तो यहाँ पे हेलमेट में कैमरे लगा के घूम रहा है ना। अब वहाँ पे वो व्यक्ति ने अगर मान लीजिए ऐसे रिकॉर्ड कर लिया तो उसको तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। सो दे हैव ऑल्सो बिकम स्मार्ट, सो व्हाट दे डू, दे हैव अ पान का टपरी आसपास, व्हाट दे से, काम करो 100 रुपये उसको दे दो और चले जाओ। दैट इज हाउ इट वर्क्स टुडे इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। जिनको नहीं पता था मैं बता देता हूँ, ठीक है ऐसा। तो क्या होता है कि उसमें ही टेल्स यू कि आसपास कोई भी पान का शॉप इज इंडिया में द बेस्ट शॉप ना, हर आधे किलोमीटर पे एक पान की दुकान होती है, राइट। तो वो व्यक्ति उसको कहता है उस पान की दुकान पे 100 रुपये देके चला जाओ, ठीक है। एंड देन यू गो एट दैट पान का शॉप, यू गिव 100 रुपीज एंड देन यू गो ऑफ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास में किसी और चीज़ की रिसीट कटवा देते हैं आपसे कि चल ठीक है इस नाम से 100 रुपये जमा करा दे और चला जाए, ऐसा कुछ। यही गवर्नमेंट का है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, जहाँ पे वो आप पे टेक्निकली फाइन नहीं लगा रहे हैं, कभी कभी कुछ गलती हो गई है, अब ठीक है हम कहते हैं वॉयलेशन नहीं हुआ है, पर चलो 10 लाख रुपए इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर जमा करा दो। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बट ये आपको स्ट्रिक्टली लॉ में लिखी हुई नहीं मिलती है। ये वो प्रैक्टिस जो कि कोर्ट्स करते हैं बहुत कॉमन तरीके से, कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ के कोर्ट्स करते हैं। तो इसके अंदर भी उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया कि सेल दी एक्स्ट्रा शेयर्स एंड पे सम मनी, से फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज, पे 5 लाख रुपीज टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। नाउ नो लॉ गिव्स दिस ऑप्शन, किसी भी लॉ ने ये ऑप्शन कभी दिया ही नहीं। आपने पूरा टेक ओवर कोर्ट पढ़ लिया, वहाँ पे ये सब तो कहीं नहीं, कहीं भी बात कि किसी से वॉयलेशन हो गया तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि आप वापस एक्स्ट्रा शेयर सेल करके लिमिट में आ जाओ। हमने तो क्या पढ़ा है, 25 का मतलब 26% ओपन ऑफर देना ही पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा है कि अगर कुछ फाइन होगी तो आप पे पेनल्टी होगी और जाएगी। ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कब से ऑर्डर करने लग गए, हमने तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के कुछ इनपुट्स पढ़े हैं कंपनी लॉ में और कुछ जहां से आउटफ्लोस पढ़े, ये सब कैसे हो रहा है। तो ये सब प्रैक्टिकली होता है। अब एक स्टूडेंट को इन सब का नॉलेज तो कुछ होता ही नहीं है और सीधा आर्टिकलशिप करने चला जाता है बीइंग एन आइडियलिस्टिक कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वॉयलेशन हुआ है ऐसा होगा। ही डजंट नो द प्रैक्टिकल रियलिटीज ना। विद दिस सब्जेक्ट ऑफ एमसीएस यू गेट टू नो, एंड विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल यू गेट टू नो के हाउ दीज प्रोविजंस व्हिच यू रेड इन एग्जीक्यूटिव थियोरेटिकली आर एक्चुअली इंप्लीमेंटेड। तो यहां पर हम एमसीएस के अंदर पढ़ते हैं तकरीबन भी अप्रॉक्स 250 to 300 जजमेंट। When you are studying a judgment, the beauty of a judgment is, वो तो practical ही होगा ना। Normally हम लोग ऐसा कह देते हैं कभी कभी पढ़ाते time कि ये theory में है, ये practice में नहीं होता। किसी judgment में ये बोल ही नहीं सकते practice में। अरे judgment तो एक practical judgment है, तो वहाँ पे आप actually सीखते हैं कि कोई भी law जो आप पढ़ रहे हैं वो actually implement कैसे होता है। तो वो वहाँ पे है, and that is the importance of case law। अगर किसी व्यक्ति को केस लॉज का स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, देन द पर्सन कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट एनी पर्टिकुलर लॉ इन अ गुड फैशन। सिर्फ थियोरेटिकल लॉ को यूज करने से कुछ भी नहीं होता, बिकॉज प्रैक्टिकली वो वैसे फंक्शन ही नहीं कर रहा है जैसे आप थियोरेटिकली उसको पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हैविंग द नॉलेज ऑफ केस लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। टुमारो यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, उस कंपनी का मान लीजिए 25% एक्सीड हो गया। नाउ इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस जजमेंट, देन यू कैन एक्चुअली यूज दिस जजमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड वंस, एंड वहां पर कोर्ट ने क्या कहा था कि उन्होंने को कहा था कि आप ओपन ऑफर मत दो, ये जो शेयर्स आपने गलती से बाय किए हैं इनको सेल कर दो और थोड़ा सा पैसा आप इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जमा कराओ एंड यू विल बी ऑफ द हुक्स। अगर आपको एक केस का नॉलेज ही नहीं है, देन योर सजेशन टू द कंपनी, लिस्टेड कंपनी इज गोइंग टू बी ये नहीं ओपन ऑफर देना पड़ेगा 26% का। तो आपका सजेशन कंपनी के लिए तो इट विल कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ करोड़।
सो देन यू नीड टू हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ केस लॉज टू बी अ बेटर प्रोफेशनल्स. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? दैट इज अनदर रीजन व्हाई ग्रेट कंपनीज और ग्रेट फर्म्स डू नॉट प्रेफर अ स्टूडेंट हु हैज जस्ट रिटन हिज एग्जीक्यूटिव. उनको चाहिए थोड़ा सा प्रोफेशनल क्लियर होकर आए तो बेहतर है. ये हो गई बात थोड़ी सी टेक्निकली. अब आते हैं थोड़ा सा आसपास की बात करते हैं, आसपास जो देखते हैं जजमेंट से क्या क्या होता है. बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट था थोड़ा समय पहले कि आप थिएटर्स के अंदर खाने का सामान ले जा सकते हो. तो थिएटर्स के अंदर जनरली दे डू नॉट अलाउ. व्हाई दे डू नॉट अलाउ? बिकॉज अपन मल्टीप्लेक्सेस मूवी देखने जब आप जाते हैं थिएटर्स के अंदर. तो मल्टीप्लेक्स की बात करता हूँ तो मल्टीप्लेक्स वगैरह के अंदर कैसा होता है कि बिकॉज दे हैव देयर ओन पीपल सेलिंग इट अपना देयर के अंदर, वो खुद बेचते हैं. अब उसमें एक मोनोपोली हो जाती है. मोनोपोली क्यों हो जाती है? कि वहाँ पे आपका चॉइस ही नहीं है ना. अरे लॉजिकली आप सब लोग मूवी देखने गए होंगे तो वहाँ पे क्या वो 100 रुपए के दो गंदे समोसे देते हैं. वही समोसा जो बाहर 15 रुपए में मिलता है वही समोसा अंदर 50 रुपए का मिलेगा एंड अनरीजनेबल. वहाँ पे मान लीजिए कॉर्न का शॉप होता है, पॉपकॉर्न होते हैं, उसके बाद में कभी मान लीजिए कोई भी आपकी चाट की शॉप लगी हुई है तो प्रॉब्लम इज दैट इज एट 4x द प्राइस. उसके रीजनेबल प्राइस से वो 4x पे रहता है और उसका रीजन एक ही है बिकॉज वहाँ पे कोई और व्यक्ति सेल नहीं कर सकता. तो भारत के अंदर मोनोपोली तो होनी नहीं चाहिए ना कभी भी. तो प्रैक्टिकली तो एक छोटे पैमाने पे मोनोपोली चला रहे हैं वहाँ पर. तो इसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि आप थिएटर के अंदर कोई भी चीज़ खाने पीने की ले जा सकते हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था कि आप थिएटर के अंदर बाहर से कोई भी चीज़ खाने पीने की ले. थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो आपको बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट भी मिल जाएगा गूगल पे. सो ये हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि सिलेबस को इससे मतलब नहीं है ना. सिलेबस कितना सिंपल चलता है. सिलेबस का कहना है कि कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, जहाँ जहाँ कंपनीज का रिलेशन आ रहा है वहाँ वहाँ पे वो लॉ बनेगा. ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड, आई विल कंप्लीट फर्स्ट. तो ये एक मूवी को लेके बॉम्बे हाईकोर्ट का ये वाला जजमेंट आया था जिसके अंदर यू आर अलाउड टू कैरी ईटेबल्स इन साइड द मूवी थिएटर मल्टीप्लेक्सेस. वन जजमेंट. सेकेंड जजमेंट फिर मैं लेता हूँ उसके ऊपर आपकी क्वेरी भी. वही थिएटर की बात करूँ उसके, आप कहीं पर रहते हैं मूवी नहीं, मॉल की बात कर लेते. एक और जजमेंट आया बॉम्बे हाईकोर्ट का ही, ये सभी आपके सिलेबस में नहीं है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि आप किसी भी मॉल में जाते हैं तो आपसे पार्किंग चार्जेस नहीं लिए जा सकते. अगर वो पार्किंग चार्जेस लेते हैं तो दैट विल बी यूज्ड एज अ टोकन जो आप किसी भी शॉप पे उसको रिडीम करा सकते हो. मतलब आज मैं फीनिक्स में जाता हूँ, मैंने मेरी कार पार्क की, कार पार्किंग का उन्होंने 60 रुपीज चार्ज लिया मुझसे पार्किंग का. ये जो 60 रुपीज का कार पार्किंग चार्ज है आई कैन यूज दिस एज अ टोकन इन एनी शॉप. के मैंने वहाँ पे किसी भी शॉप से मान लीजिए 2000 की शॉपिंग की और मैं वो कार पार्किंग का टिकट दूंगा तो वो 60 रुपीज उसमें से डिडक्ट होंगे एंड आई विल हैव टू पे 1940 रुपीज. आर वी अंडरस्टैंडिंग? ये एक और जजमेंट है. और एक तीसरा जजमेंट है, ये पॉपुलर है, आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा, इंस्टाग्राम वगैरह पर बहुत चलता है ये पंजाब साइड किसी कंज्यूमर फोरम का था, चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम का ऑर्डर है, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जब हम लोग जैसे कि बिग बाजार जाते हैं, हम लोग डी मार्ट जाते हैं, तो हम लोग जब शॉपिंग कर लेते हैं और एंड में बिल बनता है तो वो व्यक्ति एक सवाल पूछता है, बैग डालूं क्या भैया? तो हम पहले तो बोलते हैं हाँ, बोलते भैया 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा. फिर हम बोलते हैं रुको, हम ऐसे हाथ में लेके जाएंगे बाहर, हम कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे ऐसा. तो ये हर जगह पे होता है. ये किसी, ये मतलब मॉल से लेकर एक नॉर्मल शॉप से लेकर ये एक कोई भी शॉप पे आप जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है दैट आफ्टर द एंटायर परचेज ही माइट आस्क यू कि सर बैग चाहिए क्या, एंड वो उस बैग के लिए चार्ज करता 20-25-30 रुपीज तक. सो द क्वेश्चन वॉज कि क्या कोई भी ब्रांड बैग्स के लिए चार्ज कर सकते हैं क्या. तो इसको लेके जजमेंट आया था कि आप कभी भी बैग्स के लिए चार्ज नहीं कर सकते. अब रुकना रुकना, ये जो मैंने आपको तीनों जजमेंट के बारे में बताया, ये क्या बताया, मैंने एकदम ही सुपर समरी. पहला जजमेंट मैंने बताया कि थिएटर्स के अंदर यू आर अलाउड टू कैरी ईटेबल्स. दूसरा जजमेंट कि मॉल्स जो हैं वो पार्किंग टिकट चार्ज नहीं कर सकते. और तीसरा कि कंज्यूमर फोरम का जजमेंट है कि कोई भी ब्रांड आपसे बैग के लिए एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं कर सकती, बैग्स के लिए पैसा चार्ज नहीं कर सकती. नाउ द प्रॉब्लम इज, ये बहुत सुपर समरी है. अगर एक्चुअली इन केसेस के बारे में जानना है तो इनको डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा. ये जो मैंने बता दिया सुपर, ये कैसे है? जैसे न्यूज़ चैनल्स बताते हैं ऐसा, बस आपको सिर्फ मेन लाइन बता दिए और बाकी तुम्हारा देखो, ठीक है ना, उसका मतलब कुछ और होगा, उसका मतलब कुछ और बता दिया होगा. सो द प्रॉब्लम विद केस लॉज इज कि केस लॉज को डिटेल में पढ़ना काफ़ी जरूरी है, अदरवाइज यू कैन मिस इंटरप्रेट दैम. एंड दैट इज अनदर रीजन क्यों एमसीएस के अंदर आपको रखे गए कि रखे गए आपके सिलेबस में 250-300 केस लॉज. दे आर नॉट ऑल द केस लॉज ऑफ द वर्ल्ड बट दे एक्चुअली टेल यू हाउ शुड यू रीड अ केस लॉ एंड हाउ शुड यू, वॉट शुड बी द टेक अवे ऑफ दैट केस लॉ विच यू कैन यूज इन योर ओन प्रैक्टिस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इन केस लॉज में से एक का भी एग्जाम्पल लेता हूँ, ये वाला केस, इसको अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो इस केस ने ये बोला था
कि अगर मान लीजिए आप कैरी बैग ले रहे हैं किसी ब्रांड का, अगर उस बैग के ऊपर उस ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम बाटा के शोरूम से निकलते हैं, वो उस पर बाटा लिखी हुई थैली दे रहे हैं, हम बिग बाजार से निकल रहे हैं, बिग बाजार की थैली आती है पहले बड़ी बड़ी, उस पर ब्लू कलर का बिग बाजार लिखा होता था वैसा दे रहे हैं, उसके लिए वो लोग चार्ज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बट अगर वो एज अ प्रोडक्ट एक ऐसी थैली दे रहे हैं जिसके ऊपर उनकी कहीं पर भी ब्रांडिंग नहीं है, उसके लिए वो चार्ज कर सकते हैं। सो नाउ यू विल बी एबल टू रीड इट, पूरा एक्चुअल समझ में आएगा जब आप उस केस लॉ को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। सिर्फ केस लॉ को ऊपर ऊपर से देख लिया तो उसका तो नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ अ केस लॉ इज बेटर देन हैविंग इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ अ केस लॉ। कहीं जाके आप अपनी बेइज्जती करा क्या होगा ना, फिर आपको समझ में आ रहा है आप लड़ लिए ए तो अलाउड ही नहीं होता है, और फिर वहां बोलेंगे राजा बेटा इधर आ, इधर आओ, है ना। तो प्रॉब्लम कैसा है आज की तारीख में कि इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर, बट द प्रॉब्लम इज कि वी डोंट हैव अ हैबिट टू रीड, वी वॉन्ट टू व्यू द इन्फॉर्मेशन, वी लाइक टू रीड इट फ्रॉम अ, वी डू नॉट लाइक टू रीड इट, वी लाइक टू सी इट फ्रॉम अ वीडियो। द प्रॉब्लम ऑफ सीइंग सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ वीडियो इज इट ऑलवेज इनकम्प्लीट, इट इज इम्पॉसिबल कि आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियोज के माध्यम से मिल जाए। मैं बात करूँ ये इंस्टाग्राम यूट्यूब की बात करूँ, ये तो लेक्चर्स तो हम एक सिलेबस के पैमाने में घूमते हैं, तो वहाँ पर हमेशा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड दैट्स द डेंजरस पार्ट, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज डेंजरस देन हैविंग नो इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट में वी हैव अ स्टैंड ऑफ समथिंग बट वी डोंट हैव द एंटायर नॉलेज, और उस पर हम लड़ने की कोशिश करते हैं, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, एंड दैट इज वाई रीडिंग अ केस लॉ इज डैम वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उस केस का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? हाँ, सो अब क्या कर सकते हो आप इसके अंदर? उनका कहना है कि आईनॉक्स अलाउ नहीं करते हैं, उनकी पॉलिसी है। व्हाट यू कैन डू अबाउट इट कि आज घर जाओ, घर जाने का सर्च करो, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ, गूगल तो क्लास में भी है, घर जाके थोड़ी सी ऐसे सर्च करो मूवी थिएटर, लिखो मल्टीप्लेक्स, लिखो मल्टीप्लेक्स, नियर मी नहीं रहे पागल, मल्टीप्लेक्स शुड अलाउ फूड डिलीवरी, नहीं शुड अलाउ भी नहीं, कैन नॉट डिसअलाउ फूड इनसाइड, ऐसा कुछ घर जाके थोड़ी सी मेहनत करो। पीपल कैन कैरी देयर ओन फूड एंड वाटर इन साइड मूवी हॉल्स, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हैव राइट टू स्टॉप मूवी गोअर्स फ्रॉम कैरिंग ऑन फूड, सुप्रीम कोर्ट स्टेड आउटसाइड फूड इन थिएटर्स, येस लॉ डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम कैरिंग आउटसाइड फूड नाउ इन महाराष्ट्र। अब ये थोड़ा सा हमको काम का लग रहा है, शायद बॉम्बे हाईकोर्ट का होगा जजमेंट, इस पर क्लिक किया। नाउ इन महाराष्ट्र यू कैन ब्रिंग योर ओन फूड टू मूवी थिएटर्स from August 1 of whatever year the news is, everyone who has resented having to shell out a small fortune for an evening in the multiplex can finally expect relief. हाँ भाई, ये दर्द जो गए उनको पता है, वो जो जबरदस्ती 300 रुपए के पॉपकॉर्न होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता है, जो आप अकेले कभी नहीं लेते हो, बट जब आप ले लेते हो उनको कभी मजबूरी के अंदर, पीयर प्रेशर के अंदर, तो वो आपके दिल को जो दुखता है उसके बारे में हमें बात कर रहे हैं। इन महाराष्ट्र स्टार्ट विद द महाराष्ट्र फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री Minister Ravinder Chavan on Friday announced that food items from outside will be allowed in multiplex from August 1. The announcement of this was made in Legislative Council when opposition member drew the government's attention to exorbitant prices charged by multiplexes for food and beverages. The leader of the opposition and Nationalist Congress Party leader DM wanted the government to stop the loot. Samajh, a loot to hai hai na? So the common people are being openly plundered by the sale of food, beverages and water at high rates. If you look at the rates, they sell popcorn worth 10 for 80. A water bottle which costs around 15 is sold for 50 to 80. अब यहाँ पे भी खेल है, पता है एक और जजमेंट आया था बीच में जिसने कह दिया था कि इट इज कंपल्सरी के मल्टीप्लेक्सेस को पानी फ्री में देना पड़ेगा, कंपल्सरी रूल है। तो उन लोगों ने क्या कर रखा है, उन लोगों ने वाटर बॉटल तो बेचते हैं और वो वाली पानी की मशीन लगाई है जिससे भारतीयों को पानी पीना जमता भी नहीं है, ऐसे ऐसे करके वो देखा होगा ना जो एयरपोर्ट्स पे रहती है, अब उस पर आधी जनता स्ट्रगल करती है, इवेंचुअली तो उनको खरीदना ही पड़ रहा है ना, और वो लगाना क्यों पड़ा था, बिकॉज इट वॉज अ जजमेंट कि हर एक मल्टीप्लेक्स को कंपल्सरीली वो लगाना पड़ेगा, तो वो लगाया। बट अब वो कितना फीजेबल, अपन अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, उनको कितना फीजेबल है कि वहाँ से पानी आएगा, आप जमाओ और आदमी 5-10 मिनट तक एक तो खड़ा भी है, प्याज भी नहीं बुझी, और पीछे 15 लोग और खड़े लाइन में,
तो फिर वो इट डिफीट्स द पर्पस एंटायरली ऐसा, बट इस प्रकार से लॉ एट टाइम्स गिव सच रिलीफ। बट ठीक है, बताते हैं 15 रुपए की बॉटल 50 से 80 रुपए की, द रेट्स आर मच लोअर आउटसाइड, बट द मल्टीप्लेक्स हैव प्रोहिबिटेड आउटसाइड फूड, एज अ रिजल्ट पीपल गेट मूवी टिकट फॉर 200 बट दे हैव टू स्पेंड 1000 रुपी फॉर स्नैक, मिस्टर मुंडे सेड, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर आगे इन्होंने बात की आइनॉक्स का ही एग्जाम्पल दिया इन्होंने, द शेयर प्राइस ऑपरेटर्स टुक अ इमीडिएट हिट व्हाइल पीवीआर शेयर्स क्लोज 13% डाउन, आइनॉक्स लेजर क्लोज 5.4% लोअर, इरोस इंटरनेशनल वगैरह वगैरह गिरा इस रूल के बाद में ऐसा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि देयर आर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे तो हमको खैर जजमेंट भी नहीं मिला है, यहाँ पर तो हमको एक मिनिस्ट्री का कोई रूल निकल गया। सो इस प्रकार से आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी, जो जो केसेस सिलेबस में है उनकी तो रिसर्च मैं करा के देगा, वो तो सिलेबस का पार्ट है, बट यू डोंट हैव टू जस्ट रीड कि हाँ 250 केसेस पढ़ ली एग्जाम निकल जाएगा। The purpose of institute for keeping this paper is you need to understand how important case laws are. अगर case laws ये सब information देते हैं तो उसकी वो आपको कितना जबरदस्त power मिल जाती है कि कल को you can actually carry it inside. Now how you need to relate it with our profession is कि ये real life में एक बहुत छोटा सा incident है, incident है कि आप कोई भी खाने पीने की चीज़ को अंदर लेके जा सकते हो, but ये चीज़ अगर आपको पता है तो hundreds and hundreds and hundreds of people can save a lot of money. इसी प्रकार से देर आर माइन्यूट जजमेंट्स विच आर रिलेटिंग टू कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ, जिसके अंदर लॉ में कोई चीज क्लियर नहीं है, जिसको लेके आरओसी कोई एक अपना रूल फॉलो करता है, कंपनीज अपना रूल फॉलो करती होंगी, लेकिन नहीं, लॉ के अंदर ऐसे जजमेंट है दैट यू हैव टू फॉलो दिस ओनली, ऐसा। तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी स्ट्रिक्ट प्रोविजन है उनको लेकर लिबरेटिंग व्यू दे रखा है लॉ ने, तो यू कैन एक्चुअली यूज दैट इफ एट ऑल यू नो दैट लॉ। नाउ नोइंग इट विल नॉट हेल्प यू मच, अपने दोस्तों के बीच में मजा आएगा बस कि हाँ भाई ये सुनना तू चल मेरे साथ में, दे मैकडी से 4 बर्गर ले, मैं लेके जाता है साथ में, वहाँ पे आप लड़ सकते हो, ए मैं लेकर आया जजमेंट है तुम्हारा, लेकिन प्रोफेशनली कोई हेल्प का नहीं है ना वो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इसको आपको इस प्रकार से सीखना है कि प्रोफेशनली कंपनी लॉ के अंदर अगर कोई प्रोविजन लिखा हुआ है तो आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो शायद नहीं करना है, बिकॉज देयर इज अ जजमेंट सेइंग कि इन सर्कमस्टेंसेस में आप उसको अवॉइड कर सकते हो। सो हैविंग नॉलेज ऑफ सच प्रोविजन डिफरेंशिएट्स अ नॉर्मल कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम अ माइंड बॉगलिंग कंपनी सेक्रेटरी, दैट्स द डिफरेंस। अगेन सिलेबस में 250 केस लॉस हैं, बट ऐसे 2.5 लाख केस लॉस होंगे ऐसा दुनिया में, तो आपका यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है, बट कल को जब आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो तो कोई भी एक केस आता है तो उस इशू से रिलेटेड जितने केस लॉस होते हैं उनको आप पढ़ सकते हैं और आप एक बेटर ओपिनियन दे सकते हैं टू योर क्लाइंट, एंड दैट इज द माइंडसेट विच हैज टू बी डेवलप्ड हियर। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? और सबसे बड़ी चीज़ तो ये, पहले वो सब नहीं था, जब से गूगल है तब तो आपको कोई भी चीज़ के अंदर एटलीस्ट, ये सब क्या हो रहा है? ओके द हिंदू चल रहा है कि रुको, नहीं नहीं हम लोग बाहर निकलते हैं, नहीं हम पूरा ही बाहर निकल जाते हैं। इंटरनेट से मुझे यही बहुत घबराहट सी होती है कि उनका जब मन होता है वो दिखा देते हैं, माहौल नहीं समझते हम लोग कि क्या चल रहा है, इधर आते हैं। चलिए 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 चलिए, सो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट अप कि केस लॉस काफी अहम है, एंड नॉट जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर करिकुलम, इन योर प्रैक्टिस ऑल्सो केस लॉज आर डैम वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ केस लॉ यू कैन गेट योर वेस्ट थ्रू इट। मतलब मैं एग्जाम्पल देता रहूंगा और खत्म नहीं होगा, जैसे कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बात की थी कि आईबीसी के अंदर कुछ जगह पे लिखा है शैल, बस उसको रीड करते हैं एज मे, बस मन उनका लिखा है उन्होंने शैल बट इट विल बी रेड एज मे। अब ये कैसे पता चलेगा भाई, लॉ में तो शैल लिखा है, या तो अमेंडमेंट लाके उसको मे कर दो, नहीं, बट वो जजमेंट में लिखा है दैट इट हैज टू बी रेड एज मे। कोई भी टाइमलाइन दे रखी है तो जजमेंट में लिखा होता है कि टाइमलाइन डायरेक्टरी है, मतलब आप चाहो तो उसको फॉलो करो, चाहो तो उसके बाद में भी फॉलो, नहीं किया तो चलता है। तो जजमेंट्स करते क्या है कि केस लॉ आपके एग्जिस्टिंग लॉ को सप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकल दुनिया के हिसाब से, रियलिस्टिक दुनिया के हिसाब से, कि उसको कैसे हम लॉ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लॉ कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड एज इट इज, बिकॉज लॉ बनता कैसा है बेटा जी, लॉ इस प्रकार से बनता है कि कुछ लोगों ने, लेजिस्लेटर्स बैठे, उन्होंने बहुत सारी कमिटीज से उनके रिपोर्ट मंगवाए, ये सब तो बताओगे ना, लॉ बनाते टाइम कमिटीज की रिपोर्ट आती है, ये कमिटीज में वो लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में एक्चुअली काम कर रहे हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स आर रियलिस्टिक, बट इवेंचुअली अ फ्यू थियोरेटिकली इंश्योर कि ये जो रिपोर्ट्स हैं इनके बेस पे लॉ को फाइनलाइज करना है, एंड देन दे मेक अ लॉ उनके हिसाब से बना दिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो लॉ बना है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई हो ही नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर देन वी नीड केस लॉज टू इंश्योर कि ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे होगा। कोई इशू हम कोर्ट में गए, कोर्ट का जजमेंट आया, देन वी हैव टू फॉलो इट, दैट मेक्स अ लॉ वेरी मच इंप्लीमेंटेबल। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, ठीक है। एक लास्ट चीज़ है जो सोच के आए हूँ वो भी बतानी है आपसे। सर पहले ही दिन ऐसा लग रहा है कि लेक्चर खत्म ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इधर आओ। चलो, एक चीज बहुत अहम है कि हायरार्की कैसे होती है। अब हमारे सिलेबस के अंदर जो केसेस है ना, उसमें बहुत सारे केसेस दिल्ली के रखे गए उन्होंने, दिल्ली हाईकोर्ट के, गॉड नोज वाई, ऐसा कुछ भी नहीं है
कि दिल्ली हाई कोर्ट हैज सम हायर पावर एज कंपेयर टू बॉम्बे हाई कोर्ट। अब हायरार्की कैसी होती समझ लो, भारत का सबसे बड़ा बड़ा कोर्ट कौन सा है? बला नहीं, बड़ा, बड़ा, बड़ा। नहीं 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 ऐसी कोई ऐसे बात नहीं करूंगा मैं बैच में, ठीक है? इधर सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट हो गया, इसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद में आएंगे सारे हाई कोर्ट्स, ऑल दी हाई कोर्ट्स हैव इक्वल प्रोमिनेंस। बॉम्बे हाई कोर्ट की भी प्रोमिनेंस उतनी ही है जितनी आपकी जोधपुर हाई कोर्ट की प्रोमिनेंस होगी, उतनी ही आपकी जैसे किसी और स्टेट के हाई कोर्ट की प्रोमिनेंस होगी। हाई कोर्ट्स हैव इक्वल प्रोमिनेंस। और उसके बाद में नीचे आप समझ लीजिए आते हैं आपके सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये नॉर्मल हायरार्की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशंस कोर्ट का आप एक ही समझ लो भले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार की हायरार्की चलती है। ये हमारे कुछ काम के नहीं, ये हमारे कुछ काम की क्यों नहीं है? हमें पढ़ना है कंपनी रिलेटेड केसेस, तो हमारे कंपनी रिलेटेड केसेस आते हैं एनसीएलटी से। तो हमारे हायरार्की कभी कभी जाती है एनसीएलटी, एनसीएलटी एंड देन द केस कम टू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि आप लोगों ने दूसरा पढ़े होगी अपनी हायरार्की कि एक होती है आपकी सेबी, सेबी के ऊपर सैट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो दी ओनली सोल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट, दैट इज फॉर श्योर। ये यूनिफॉर्म है कि कहीं से भी केस चल रहा है, भले कहीं पे भी चल रहा है, भले कंज्यूमर फोरम का केस है, कोई भी केस चल रहा है, द हाईएस्ट अथॉरिटी इज गोइंग टू बी सुप्रीम कोर्ट। जो दूसरी हायरार्की वो लॉ टू लॉ चेंज होती रहती है। ये जो हायरार्की है कि भारत के नॉर्मल सिविल केसेस की है, सिविल केसेस के लिए यहां होते कि कोई भी अगर केस हो गया सिविल तो वो यहां पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान साहब का हिट एंड रन का केस था, तो वो इस हायरार्की से चलते हुए ऊपर आया ऐसा। लेकिन हमारा कंपनी लॉ रिलेटेड केस है तो वो इस हायरार्की से आएगा, कोई सिक्योर्ड लॉ रिलेटेड केस है तो वो इस हायरार्की से आएगा। तो लॉ की हायरार्की अलग अलग होती है। अभी यहां पर हम लोग ये समझते हैं कि ये फंक्शन कैसे करेगा, मतलब हमारे लिए इफ देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, दैट इज एप्लीकेबल ऑल इंडिया बेसिस पे। ऑल इंडिया बेसिस पे एप्लीकेबल रहने वाला है हर वो ऑर्डर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट आ गया, फॉर एग्जाम्पल आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया कि मॉल्स पार्किंग फीस चार्ज नहीं कर सकते टू व्हीलर से, एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसका मतलब आप भारत के छोटे से छोटे कस्बे से भी हैं, यू आर इन अ स्मॉल टाउन उदयपुर, आप वहां पे भी किसी मॉल में जाते हैं, आप सेलिब्रेशन मॉल है वहां पे जाते हैं, आप गाड़ी पार्क करते हैं, वहां पे लड़ेंगे पार्किंग फीस नहीं देगा मैं, क्यों? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल रहेगा। बीच में आधार के ऊपर बहुत सारी लड़ाई चल रही थी, आधार कार्ड के ऊपर, कि आधार कार्ड आपसे बैंक वाले डिमांड कर सकते कि नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहां पर सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो चीज फाइनल है, बात खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए एग्जाम्पल एक जजमेंट दे दिया दैट मॉल ओनर्स, मॉल वाले किसी भी हालत में आपसे पार्किंग फीस नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट का है मतलब ऑल ओवर इंडिया। वहीं हाई कोर्ट का जजमेंट का ऐसा नहीं होता, एनसीएलटी वगैरह तो छोड़ दो, हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में जो हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सिर्फ कितना रहेगा? महाराष्ट्र के ऊपर, सिर्फ महाराष्ट्र के ऊपर इसका जुरिस्डिक्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आज मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि थिएटर्स के अंदर आप बाहर का पानी या बाहर का ईटेबल लेके जा सकते हैं, ये ऑर्डर पास कर दिया है। सो द रूल इज इट विल बी एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इन महाराष्ट्र। आप राजस्थान में तब लड़ नहीं सकते जाके कि सर अरे सर एक जजमेंट आया था महाराष्ट्र हाई कोर्ट का कि ऐसा ऐसा होगा, तो आप वहां पे लड़ नहीं सकते, बिकॉज अ जजमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर महाराष्ट्र। बट देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड हियर, बट अ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट हैज परसुएसिव वैल्यू इन अदर हाई कोर्ट। व्हाट इज परसुएसिव? परसुएसिव सुनो, किसी को परसुएड करना। सो इट डज नॉट हैव अ कंक्लूसिव वैल्यू, इट डज नॉट हैव अ कंपल्सिव वैल्यू, बट इट हैज अ परसुएसिव वैल्यू। परसुएसिव वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आप सामने वाले को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि जजमेंट फॉलो कर, बट उसको आप परसुएड कर सकते हो कि देखो यार ये जजमेंट वहां पर आया तो आप भी इसी को फॉलो करो ना, बट यू कैन नॉट कंपल, यू कैन नॉट मेक अ कंपल्शन ऑफ इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर आज सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है और उसको लेके लड़ाई किसी भी हाई कोर्ट में जाती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो फाइनल है, उसको आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसको लेके झगड़ा हो रहा है किसी और स्टेट में, और वहां पे हाई कोर्ट के पास बात जाती है, तो दैट हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय जजमेंट गिवन बाय दिस हाई कोर्ट।
दैट हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय जजमेंट गिवन बाय दिस हाई कोर्ट, दैट हाई कोर्ट कैन गिव अ डिफरेंट ओपिनियन, दैट हाई कोर्ट कैन गिव अ डिफरेंट जजमेंट. जैसे कि मुंबई हाई कोर्ट ने कह दिया, सीधे बैठेंगे सर, थोड़ा सा लाइट लाइट, कोई परेशानी नहीं. मुंबई हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप भैया मल्टीप्लेक्स के अंदर बाहर से खाना लेके, सर आप एक तो मूवी और खाने का इतना बात कर रहे हो सर, ऐसे में नहीं हो सकता, रुक जाओ. ठीक है, मैं अभी तक खाने का नाम तो नहीं ले रहा हूँ ना, अगर मैं क्लास में बोलने लग जाऊँ पाव भाजी, रसगुल्ले, पास्ता, पिज्जा, नाइस रेड चीजी पास्ता, अगर ये सब बोल तो परेशानी है. जब तक मैं बोल नहीं तब तक कोई परेशानी नहीं है ना. चलो इधर आओ. सो मान लीजिए बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है कि भाई साहब यू आर अलाउड टू कैरी ईटेबल्स इन साइड दी थिएटर. बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, हो गया. अब राजस्थान के अंदर मैं गया, थिएटर वाले ने मुझे रोका, हमारी लड़ाई हो गई. मैंने कहा ऐसे कैसे रोक सकते हो आप, उसने कहा नहीं हम तो रोकेंगे. मैंने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया. हाथापाई वाली लड़ाई नहीं हो रही, ठीक है ना, एकदम फुल अहिंसा. ठीक है, अपन ने उनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया. अब वो केस पहले गया होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, अब वो पहुंच चुका है हाई कोर्ट में. अब हाई कोर्ट में मैं कह रहा हूं कि सर बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है दैट एनी पर्सन कैन कैरी एनी ईटेबल इनसाइड, तो वो हमको अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं. उनका कहना है कि नहीं, वी हैव आवर पॉलिसी, हमने पॉलिसी में क्लियरली लिखा है, इन्होंने टिकट लिया, उसके पीछे इतनी सारी चीजें प्रिंट में दी, हमने दे रखा है उसके अंदर, यू कैन नॉट कैरी योर ईटेबल इनसाइड, तो अलाउ नहीं होगा. नाउ जो राजस्थान का हाईकोर्ट रहेगा, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट विल हैव द अथॉरिटी एंड पावर टू डिटरमिन कि यहाँ पे जजमेंट क्या देना है. दे कैन गिव अ जजमेंट कि ईटेबल्स आर नॉट अलाउड टू बी टेकन इनसाइड द थिएटर्स बिकॉज उनकी पॉलिसी है. तो हर एक मल्टीप्लेक्स अपनी अपनी पॉलिसी बना सकता है. आपको पसंद नहीं है तो आप जाओ मत वहां पे. दे कैन हैव देयर ओन पॉलिसी, ये भी ऑर्डर दे सकता है. दूसरा वो ये भी ऑर्डर दे सकता है कि यार मल्टीप्लेक्सेस लिमिटेड ही होते हैं, तो अगर उनकी पॉलिसी देंगे तो उनकी मोनोपोली है, वो चाहेंगे वो करेंगे. मल्टीप्लेक्सेस तो गिन के कितने, 5-6 बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, वही मल्टीप्लेक्सेस हर जगह पे होते हैं बड़े वाले. तो नहीं यार, तो हमें ये रूल ही बनाना पड़ेगा कि एनी पर्सन कैन कैरी हिज ओन फूड आइटम ऑल्सो इन साइड. तो जो राजस्थान हाईकोर्ट है दे हैव दिस फ्रीडम टू डू सो बिकॉज उनके ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट मैंडेटरी अनिवार्य रूप से अप्लाई नहीं होता. तो राजस्थान हाईकोर्ट ये वाला जजमेंट भी दे सकता है, ये वाला जजमेंट भी दे सकता है. मान लेते हैं राजस्थान हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया दैट यू आर नॉट अलाउड टू कैरी फूड आइटम्स इनसाइड द मल्टीप्लेक्स. सब लोग मेरे साथ में. अब पता है भारत में क्या हो गया, एक हाईकोर्ट ने कुछ और जजमेंट दे रखा है, एक हाईकोर्ट ने कुछ और जजमेंट दे रखा है. सर क्या ऐसा भारत में है? देर आर हंड्रेड ऑफ केसेज ऐसा भारत में है. तो कुछ हाईकोर्ट्स ने कुछ और जजमेंट दे रखा है, कुछ हाईकोर्ट्स ने कुछ और जजमेंट दे रखा है. इसके लिए हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग प्रैक्टिस फॉलो होगी. अब सर ये कब कंक्लूड होगा? मान लीजिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया दैट वी आर नॉट अलाउड टू कैरी इट इनसाइड. नाउ आई हैव अपील्ड दैट ऑर्डर इन सुप्रीम कोर्ट. मैं उस हाई कोर्ट के अगेंस्ट, जोधपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट चला गया सुप्रीम कोर्ट में. अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि ईटेबल्स अलाउड है या नहीं है, अलाउड है या नहीं है. मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर पास कर दिया कि नथिंग डूइंग, यू कैन कैरी एनी ईटेबल इनसाइड द सिनेमा हॉल. नाउ दिस इज द ऑर्डर ऑफ, विषय खत्म. अब हर एक स्टेट के अंदर यही रूल, यही पॉलिसी फॉलो की जाएगी. अब अगर किसी और स्टेट के अंदर ये डिस्प्यूट हाईकोर्ट तक जाता है तो अब हाईकोर्ट को कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बिकॉज उस इशू के ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिया हुआ है दैट सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर डज नॉट हैव एनी परसुएसिव वैल्यू, दैट इज अ कंपल्सिव वैल्यू, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. वहीं जब इसके पहले राजस्थान हाईकोर्ट में केस गया था तब वहां पे से परसुएसिव वैल्यू था कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया, आपको जो देना है वो आप दो. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन परसुएसिव वैल्यू एंड अ कंपल्सिव वैल्यू. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो कंपल्सरी एप्लीकेबल रहेगा पूरे के पूरे जो आपका एरिया है उसके ऊपर, इंडिया के ऊपर. और वहीं हाईकोर्ट का जजमेंट है उसकी कंपल्सरी वैल्यू रहेगी उस स्टेट के ऊपर. जैसे कि थोड़े दिन पहले, अब जजमेंट्स के हम डिस्कस करते रहेंगे नेवर एंडिंग. थोड़े दिन पहले एक और हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, अब उस पर मतलब वो एक्चुअल, मैंने तो जजमेंट पूरा रीड नहीं किया अभी तक तो आई डोंट नो वेदर सेम है कि नहीं है, बट न्यूज़ में ऐसा जजमेंट आ रहा था कि ये जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स स्पेशली है ना, इनको लेकर एक जजमेंट आया हाईकोर्ट का कि स्ट्रीट डॉग्स को देर आर सर्टन पीपल हु फीड देम. तो कैसा होता है, आप देखोगे अपने एरिया में भी सोसाइटीज के अंदर, तो मान लो देर आर 50 फ्लैट्स बट देर आर 2 फ्लैट्स ओनली, ये लोग ही उन स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं एंड देर आफ्टर दीज डॉग्स दैट्स वाई स्टे देयर ओनली, कहीं और भी नहीं जाते. अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि स्ट्रीट डॉग्स को फीड तो आपने कर दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी वगैरह आप फीड करो डेली बेसिस पे कर रहे हो, लेकिन उनका जो उनको टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लगने चाहिए वो तो कोई लगा नहीं रहा है. और इस कारण से अगर उस स्ट्रीट डॉग ने कभी भी किसी को भी काट लिया तो उस व्यक्ति के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना. नाउ इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे व्हेन दे आर फीडिंग दे आर डूइंग ग्रेट, बट प्रॉब्लम ये है जो सोसाइटी में बाकी लोग रहते हैं उनके लिए तो इट इज गेटिंग डिफिकल्ट बिकॉज हम लोग तो वहाँ पे रहते हैं और बिकॉज दीज टू फ्लैट ओनर्स आर फीडिंग देम वी हैव टू स्टे देयर ओनली, दीज डॉग्स स्टे देयर ओनली. सो फॉर अस, फॉर आर किड्स, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट. और कुछ इंस्टेंसेस हमने देखे ही ना कि स्ट्रीट डॉग कभी है तो एट द एंड ऑफ द डे वो डॉग है ना, तो वो काट तो सकता ही है. अब ये केस गया कोर्ट में कि अब ये क्या बात है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम फीडिंग स्ट्रे डॉग, फीड तो करेंगे ही.
अब अगर उसके कारण वो किसी को काट लेता है और प्रॉब्लम होता है तो क्या होगा? तो इसको लेके एक जजमेंट आया था जिसके अंदर कह दिया कि दोज हु आर फीडिंग दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू गेट देम ऑल द रिक्वेस्ट, जो भी वो वैक्सीन होती है वो सब भी लगाना उनकी जिम्मेदारी होगी। सो अब लॉ ने ये कह दिया कि इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू फीड देन यू हैव टू इंश्योर कि उनका वैक्सीनेशन भी आप करें। नाउ हाउ डिफिकल्ट इज दैट टू इम्प्लीमेंट, हाउ डिफिकल्ट? अब आप क्या, जो कोई आप खाना खिलाओगे, हाथ पकड़े चल सिरिंज लगवा इसका, हाउ डिफिकल्ट इज दैट टू इम्प्लीमेंट, यू जस्ट अंडरस्टैंड, एंड दैट इज वाई इट इज नॉट सो ईजी। सो जजमेंट्स कैसा है बेटा जी, जजमेंट्स एक ऐसा दायरा है जिसको हम कभी खत्म कर ही नहीं सकते, नेवर एंडिंग है। जितना पढ़ते जाएंगे उतने जजमेंट आपको मिलते जाएंगे। अरे हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अभी भी तो बैक टू बैक जजमेंट बनाए जा रहे हैं, नेवर एंडिंग है जजमेंट्स को रीड करना। बट ये है कि डैम इंटरेस्टिंग टास्क होता है एक जजमेंट को लेना, उसको क्रोध क्रोध के पढ़ते जाना, डैम इंटरेस्टिंग टास्क रहता है। एंड उसके बाद में प्रैक्टिस में आपको तूफान तरीके से हेल्प करता है, ये बात तो श्योर है, बिकॉज उसके बाद में आप लॉ को कंप्लीट तरीके से समझ पाते हैं, फिर समझ में आता है कि लॉ है क्या और किस इंटेंशन से बनाया गया था और किस तरह से उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगा, एंड नॉट जस्ट द थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ इट। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? ये सब चीज़ें हैं, आज कुछ लिखना तो है नहीं, कल से थोड़ा बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, बड़े तरीके से मजा आएगा। दैट विल बी फॉर दिस सेशन, खेल कूद ऐश करो, एंड आई विल सी यू टुमारो। या बाय बाय। एंड हाँ, जीडीबीडी एक चीज का ध्यान रखो, यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो बच्चों ने MCS नहीं फंडिंग एडिशन 4 IBC एडिशन 4 लिया है, उसका बुक कब डिस्पैच होगा? तो बैच शुरू होगा, तब बैच शुरू होगा दिसंबर में, तो उसके पहले बैच शुरू होने के थोड़े दिन पहले फिर बुक्स डिस्पैच होगी। अभी बुक्स डिस्पैच नहीं होती, बुक्स बनी नहीं है ना गधों, इसलिए चलो खेल कूद ऐश करो, और आप लोग भी खेल कूद ऐश करो, स्माइल करते रहो ऐसे ही, ठीक है ना? थोड़े दिन लगेंगे कंफर्ट लेवल पाने में, पर आ जाएंगे। आपको कितने दिन हुए लेक्चर? ज्यादा दिन हुए भी नहीं ना आपको आते आते, गणपति गणपति चल रहा है ना वैसे भी, ज्यादा दिन हुए नहीं, थोड़े दिन लगेंगे, फ्लो में आ जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। चलो दैट विल बी फॉर दिस सेशन, खेल कूद ऐश करो यारो, आई विल सी पीपल टुमारो अगेन एट द सेम टाइम। नहीं कुछ नहीं, सॉरी, आप लोग कंटिन्यू करो। अभी आप लोग कैसे एकदम ऐसे सहमे सहमे से रहते हो ना?